अगर सास ससुर उसको बेटी बना ले तो वो जन्नत बन जाएगा घर अगर वो उसे बहू समझेंगे तो वो अजाबी रहेगा फॉर सक्सेसफुल मैरिज सासों को चाहिए कि अपने अगर बेटों का घर बचाना है उनको तो उनके आपस के मामला में बोलना बंद कर तो जिस दिन बीवी उसको इस स्टैंड पे खड़ा करेगी ना कि चूज बिटवीन द टू तो ये याद रखना उसने चूज बीवी को ही करना ये मैं दुनिया को समझाना चाहता हूँ और बीवियों को भी आप एक माँ से मैच कर रहे हैं इस चीज की वो उसके गोश्त से बना हुआ है वो कहते हैं ना अ मदर इज द फर्स्ट लव ऑफ द बॉय एंड द वाइफ इज द लास्ट लव इन दिस वर्ल्ड ये दुनिया के सबसे बड़े शैतान का सवाल है अ मैन के नॉट चूज बिटवीन हिज मदर एंड हिज वाइफ दोनों की उसकी जिंदगी में इतनी कॉम्प्लीमेंटिंग है कि ये कटहरा ही गलत है जहां आप उसे खड़ा करते हैं एक गरीब भी झोंपड़ झोंपड़बट्टी में रहता होगा ना तो अपनी बेटी के लिए सोचता नहीं होगा कि मैं क्या दे रहा हूँ उसको जो वो अपनी कैपेसिटी में कर सकता था जिस रात वो उसको ब्याह कर बारात में दे रहा होता है ना तो आपको माए रोती हुई दिखेंगी हमेशा आपको बाप रोता हुआ नहीं दिखेगा आपको पता है बाप घर आगे रोता है भाई आपको घर आगे रोते हुए दिखेगा बाप घर आके अकेला रात को रोता है कि मेरी बेटी चली आप एक माँ को ग्लोरीफाई करें कि उसका बेटा है वो बेटी नहीं है किसी की वो किसी के जिगर का टुकड़ा नहीं है और आसमान वाले के अलावा कोई नहीं देख रहा उनको मैं बहुत खुश हूँ वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है यूनिवर्सिटी पढ़ी हुई बच्ची लेके आओगे तो ऐसी बात है वो इज्जत तो करेगी नहीं क्योंकि हमारे यहाँ इज्जत कराई जाती है दबाकर हर चीज नहीं हो सकती सही हर चीज सही होने के लिए बहुत कुछ खराब होता है कुछ सही होने के लिए तो पैकेज का पार्ट होगा भैया कॉम्प्रोमाइज के बगैर आप ये घर कैसे चलाएंगे ये जुमला भी बहुत कहा जाता है भाई के घर की मार खा लो मैके के घर के ताने खाने से अच्छा है ये भी टैबू है लोग कहते हैं भाई वापस जाके बैठोगे बोझ ही होगा अल्लाह माफ कर सकता है एग्जानिया को अल्लाह माफ कर सकता है कतल वाले को इंसान नहीं कर सकते इंसानों का इतना जिगर नहीं होता ये है जुमला किसी के लिए जो आया ही नहीं कभी तो कभी था ही नहीं तुम्हारा शेख साहब हमने पिछले पॉडकास्ट के अंदर और सेशंस के अंदर बात की थी कि जिंदगी के अंदर इवॉल्व होना बढ़ना ग्रो करना जिंदगी में तामीर करना पैसा बनाना लोगों को मनवाना अपना आप चैलेंजेस लेना लेकिन एक पोर्शन एक डोमेन जिंदगी का ऐसा है इंसान की कि अगर वहाँ पर सुकून ना हो तो अक्सर चीजें बेमाना रखती लगती हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा जायदादें हो पैसा हो लेकिन घर में सुकून ना हो आपके पास आ, सेहत हो आपके पास इज्जत हो शोहरत हो लेकिन आपके घर में सुकून ना हो हु। तो आज हम थोड़ा घर के ऊपर बात करना चाहेंगे कि लोगों के बहुत सारे नैरेटिव्स हैं मीडिया भी है मेन स्ट्रीम पर भी काफी सारे ड्रामे चलते हैं और उसमें भी एक चीज पोर्ट्रे की जाती है मूवीज के अंदर बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि हर इंडस्ट्री जो है वो एक ग्लैमराइज करती है घर को कि असल में जो रेस है वो एक खूबसूरत घर तक पहुंचने की है मूवीज के अंदर भी एक हीरो है फिर उसको किसी से मोहब्बत होगी उसके बाद जो है मोहब्बत होने के बाद मूवी खत्म हो जाएगी ड्रामे भी इसी पे हैं हाँ। कि भाई बड़ी एक स्ट्रगल है पहुंचने की किसी से मिलने की तल तरफ है उसके बाद लेकिन जो आइडलिज्म है इसके अंदर कि मैं आज इस पर स्टार्ट लेना चाहूंगा आपके साथ कि आपके नज़दीक जितनी जिंदगी आपने गुजारी है और आप कितने लोगों से ताल्लुक़ है लोग काउंसलिंग्स में आते हैं अपने मसाइल लेके आते हैं और आपकी अपनी जिंदगी भी एक है आपने अपने घर वालों की भी देखी आस पास खानदानों की भी देखी इस देर अ मॉडल मैरिज जो आप समझते हो एक तो हमें बताया ना कि अम्बिया की है

लॉयल्टी uh, होगी uh, मोहब्बत होगी बॉन्ड होगा स्पिरिचुअलिटी होगी और कमिटमेंट होगी सिंसेरिटी होगी अदब होगा अखलाक होगा और uh, एक दूसरे के साथ डिस्कवरी होगी ज़िंदगी एक्सप्लोरेशन होगी वही मैरिज का आइडियल पोजीशन से ज़्यादा मैरिज का ऑब्जेक्टिव है बात करनी चाहिए हमेशा अल्लाह ने कुरान के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए ना कि मैरिज अपने जेनिथ पे पहुँचने के बाद ना एक्चुलाइज होने का लेवल है मुवद्द व रहमा। yani मुवद्दत भी हो जाए दोनों के बीच में मोहब्बत और रहमा भी हो। एक दूसरे के लिए वो रहमत हो मर्सी टुवर्ड्स ईच अदर अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह टुवर्ड्स ईच अदर तो बहुत से लोगों के अंदर बॉन्ड बहुत होता है प्यार बहुत होता है आपस में मगर वो एक दूसरे के लिए से रहमत नहीं होते। और बहुत से लोग एक दूसरे के लिए बहुत से रहमत होते हैं बड़ा अच्छा पार्टनर होता है आपके लिए आप दुआएं भी आप शुक्र अदा करते हो कि अल्लाह ने मुझे ऐसा उनके बीच में ना वो मवदद वो मोहब्बत और वो बॉन्डेज बॉन्डिंग इतनी बड़ी नहीं होती तो अगर बॉन्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और फिर भी एक दूसरे का लिहाज हो तो ये भी अधूरी शादी है ऑब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज सही और एक दूसरे के अंदर इसके साथ प्यार बहुत अखीर लेवल का है मगर फिर भी एक दूसरे के लिए बायसे रहमत नहीं बायसे अजाब है तो ये भी जो है अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के अंदर उस जोड़े की का नक्स ही माना जाएगा तो मेरे ख्याल से यहीं से मैं यही मेरा वो है कि एक शादी के अंदर एक फैमिली को एक कपल को ये भी अचीव करना है कि उनकी मोहब्बत जो है वो वहाँ तक पहुँच जाए कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर मेरा नहीं ख्याल है कि ज़िंदगी का कोई तस्वुर रखते हो ठीक है लव स्टोरी इस्लाम की जो पिक्चराइजेशन है ना उसमें मियाँ बीवी की एक लव स्टोरी है जो शादी से पहले नहीं शुरू होती शादी के बाद शुरू होती है वो अकद के बाद जो है ना निकाह के बाद होती है अब ये भी सब्जेक्टिव सवाल अगर कोई पहले से पसंद करता था और उसने निकाह कर लिया व्हाट्स एवर हम इसको जरा इसना कर लेते हैं स्टोरी वो भी इन्वॉल्व है कि एक उनकी लव स्टोरी होगी जो इमोशनली फीलिंग बेस्ड और एक दूसरे की तरफ रगबत, रगबत है कनेक्शन है एहसास है और एक उसके अंदर एक यानी एक फीलिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव है उनका और दूसरा एक एक फील एक मोहब्बत बेस्ड है और एक एहसास बेस्ड है तो अक्सर जोड़ों में एहसास नहीं होता एक दूसरे का लेकिन लगाव होता है और अक्सर जोड़ों में लगाव होता है और एहसास नहीं होता और कहीं एहसास बहुत होता है एक दूसरे का मतलब आपके लिए ऑलवेज देर मगर वो लगाव और लगन और वो लव नहीं होगा सो यू हैव टू अचीव लव एंड यू हैव टू अचीव सेंसिटिविटी ऑफ लव एंड केयर

किसी इंसान का एहसास रख सकता हूँ जिसके लिए मेरे दिल में नहीं है। और मैं किसी इंसान से मोहब्बत कर सकता हूँ ना हो ये दोनों है ना ये और मेरे ख्याल से इसको इस तरह लेके चले ठीक है लेकिन एक आपने रिलेशनशिप को दो पैरामीटर्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मोहब्बत और केयर के ऊपर उसमें रिस्पेक्ट एज सारे आ गए उसके अंदर लेकिन सवाल वही है सुनो मैं सुनो आपके नजदीक क्या कोई मॉडल मैरिजेस एग्जिस्ट करती हैं या एवरीबॉडी हैज इट्स ओन जर्नी और उसके अंदर कॉम्प्रोमाइजेस कॉम्प्रोमाइजेसाइजेस परेशानियां स्ट्रगल ये मॉडल मैरिज के अंदर ही प्रॉब्लम्स हैं तो मैं वही समझना चाह रहा हूं ना कि मॉडल uh, मैरिज जो है वो भाई क्या है सेक्रीफाइस किसकी तरफ से होगा इनिशिएटिव किसकी तरफ से होगा देखिए सबसे पहली बात यह कि हमें इस बात की इनिशियल तरबियत करने की ज़रूरत है कि शादी जो है ना वो एक्चुअली किसकी किसकी हो रही है और ये शादी होने के बाद इस बॉन्ड का लीगल पेटेंट कौन है इसका असल कौन है इस इस, इस, इस इसका पेटेंट कौन है जो उसको लीड कर रहा है तो ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है तो हम इसमें यह नहीं कहते कि मर्द और औरत जो है उनमें कोई फ़र्क है एक्विटी इक्वालिटी के लिहाज से हम इस बहस में जाना ही नहीं चाहते लेकिन ये घर जो है ना ये घर जो है ये मर्द का है कवाम उसे बनाया गया है तो अगर तो ये मैरिज फेल होती है अगर मैरिज फेल होती है तो ये असल नुकसान किसका है ये बड़ा डिसाइड करना बहुत जरूरी है अगर एक घर टूटता है तो यह जानना बहुत जरूरी है कि असल नुकसान किसका असल नुकसान दोनों का है दोनों का ही है लेकिन ऑफिशियली जिसके नाम से यह सिस्टम शुरू हुआ था जो एंड में पर सबसे ज्यादा टोल जिसे लेना है वो मर्द को लेना इसके अंदर माइक्रो लेवल के ऊपर दोनों बराबर हैं कहीं पे औरत बराबरी ही नहीं कर सकता मर्द और कुछ कामों के अंदर मर्द के नेड़े भी नहीं आ सकता कोई सही एंड के अंदर टोटेलियन में जो ऑर्गेनाइजेशन है ना ये किसके नाम से जानी जाती ठीक है। मर्द के नाम से जानी जाती ठीक है सो द फॉल इज फॉर द मैन टू टेक कि जब हर एरिया उसकी मैरिज का फेल हो रहा है तो अपना घर बचाने के लिए सबसे बड़ी फॉल कौन लेगा मर्द लेगा ना सही है क्योंकि उसकी फैमिली है ना व खला का मिन हजा उजहा आदम आलाम अकेले थे उनसे उनमें से बनाया जन्नत में थे उदास थे अल्लाह ने उनकी लोनलीनेस को दूर करने के लिए उन्हें एक बेगम दी एक पाक बीवी दी या आदम उसको नंदा वजाऊ जन्ना और वहाँ पे क्या आता है या अयुहन्नासको रबा को मजी खला का कम वाहिदा व वा खला का तो उनमें से उनकी बीवी बनाई गई सो इट्स अ स्टोरी ऑफ अ मैन एंड देन अल्लाह गिफ्टेड द मैन विद द गिफ्ट ऑफ फैमिली तो ऑब्वियसली उस मॉडल के अंदर जो है uh, इसको सारे जो मसाइल है ना वो इस, इस इसको देख रहे हैं सबसे ज्यादा मैं, मैं इसके ऊपर इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ आपको यूथ सुन रही है लोगों की शादियां होने वाली हैं या अर्ली मैरिजेस में है या पंद्रह अठारह बाईस सारे बंदा सुन, सुन रहा आप है आप निकलवाए जो निकलना लेकिन मैंने आपको बड़ा पंच लाइन दे दी लड़कियां ये सोच रही है कोई राजकुमार होगा कोई ऐसा होगा और वो एक फैंटिसाइज वर्जन सोच रही है ठीक है और मैं ही नहीं बोल रहा कि आप आज फैंटेसी तोड़ देंगे किसी नहीं नहीं मैं फैंटेसी भी नहीं और नहीं। लड़के जो हैं वो भी सोच रहे हैं कि जी ऐसी होगी मेरी दुल्हन जो है और मेरी जिंदगी में आएगी भारे आ और ये बात ये तो देखे ना एक बहुत ही कॉस्मेटिक एंगल है शादी या, का कि जी लड़का और लड़की देखने में खूबसूरत होनी चाहिए ये एक बहुत कॉस्मेटिक एलिमेंट है ठीक है ये भी जुज है लेकिन जो शादी का पूरा कुल है ना वो लुक्स पे खड़ा हुआ है लेकिन उसके ऊपर बहुत कुछ होता है शादी के अंदर एक टाइम मतलब इट्स अ कम्प्लीटली वेरी डिफरेंट बॉल गेम अदर देन द लुक्स लेकिन वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एक हसीन इंसान अंदर से अगर मॉन्स्टर हो एक बला बन जाए अजाब बन जाए ऐसे उसन का अचार डालना है आपने तो पहली बात यह है कि जो एक मॉडल मैरिज है उसकी कंस्ट्रक्टिविटी के लिए जो फ्रेमवर्क ड्रॉ करेगा ना वो मर्द करेगा ठीक है बड़ी ही अजीब सिचुएशन होगी कि औरत घर बचा रही हो बहुत ही पूरा नेचुरल साइकिल ही आपने कायनात का तोड़ दिया कि जिसने सबसे ज्यादा कुर्बानी देनी है वो सबसे बड़ा आजाब बना हुआ है ठीक है जिसने सबसे पहले सीना पेश करना है गोली खाने के लिए जिसने प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उठाई थी जिसने नर्चरिंग की जिम्मेदारी उठाई वो तबाह कर रहा है लोगों को अपने घर के अंदर वो ही वो 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 रहमत और वो मर्सी नहीं प्रोवाइड कर सका वो नर्सरी प्रोवाइड नहीं कर सका उन उन पौधों के लिए कि वो फूल बनते और फिर दरख्त बनते और फिर फल देते तो ये जिम्मेदार है मर्द ही कटहरे के अंदर जिम्मेदार है इस्पेक्टिवली आप डेढ़ सौ फाइल्स खोल दें कि औरत ने ये किया औरत ने वो किया फलान मर्द हैज़ टू डिसाइड कि उसने अपनी घर को अपनी फैमिली को अपनी शादी को क्या शेप देनी है अभी इस टाइम पर बहुत से मर्द हजरा शायद मेरी इस बात से खुश ना हो लेकिन मैं क्योंकि सोलूशन ओरिएंटेड आदमी हूं ना तो ये हवाई किताबी फैंटेसाइज बातें नहीं करता घर उसने शेप अप जो करना है ना उसने करना है। जो ख़राब हुआ हुआ है वो ठीक भी उसने करना है और जो अभी इनिशियल स्टेज पे जाने वाले हैं उनको आज टिप्स बहुत हैवी लेवल की मिलेंगी कि क्या क्या नहीं करना और क्या क्या करना है बाकी बाग के अंदर अगर एक पौधा आगे पीछे हो रहा है उसकी डिसमेंटलिंग ख़राब हो गई है उसकी वो फिर एक स्पेसिफिक केस है वो हम अलीदा से बात कर सकते हैं उस पर लेकिन द टोल ऑफ क्रिएटिंग अ फैमिली एंड द टोल ऑफ क्रिएटिंग अ परफेक्ट मैरिज इज़ सोली हैविली ऑन द मैन फर्स्ट और उसके बाद उसके नसीब पे भी आएंगे उसको अल्लाह ने स्पाउस कैसा दिया है वगैरह तो आ, मेरा तो यही मानना है अगर आप इसे कहेंगे कि भाई एक औरत की स्टोरी को मर्द मिला है तो ये भी आएगी मगर ऑफिशियली तो ये ऐसे ही होना चाहिए भाई कि शादी उसने की है इसने भी की है उसने भी की है मैं इसके खिलाफ नहीं मैं आई एम नॉट डाउन साइजिंग दुमन हेयर लेकिन uh, उसके नसीब भी पर बात करेंगे मगर एंड के अंदर जब ये खराब होगा ना तो ये ऑफिशियली जिसकी ज्यादा वो होती है कंट्रोल होता उसके है उसके आपके माशरे में तलाक के बाद औरत की जिंदगी बर्बाद हो जाती है ऑफिशियली टैबू करके आप साइड में करते है दुनिया के हर मुल्क में ये हाल नहीं है डिवोर्स भी वहाँ पर सब कॉन्टिनेंट कल्चर में ज़्यादा आपके कल्चर में डिवोर्स का मतलब है एंड ऑफ लाइफ लाइन यस इस्लाम में भी पहले ऐसा नहीं था मक्के में भी नहीं था और आज भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में और यूरोपियन मुस्लिम के अंदर ये इशू नहीं है हो जाती है नहीं चली इट डेंट वर्क आउट वी कैन फाइंड अ वे आउट ऑफ इट लेकिन जिस माशरे में हम हैं पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया नेपाल बर्मा ये जो एरिया है आपका सब कॉन्टिनेंट का यहाँ पर एक तलाक को मर्द के लिए फेस करने के प्रिंसिपल्स डिफरेंट हैं औरत के लिए प्रिंसिपल्स डिफरेंट हैं। तो जो एडवाइस हम इस साइड की मेल फीमेल को देंगे वो एडवाइस दूसरे एरिया से डिफरेंट होगी ठीक है लेकिन यहां पर इस बात को हम क्लरिफाई करते चलें कि अगर घर बचाना है तो वो एक किसी की एक की जिम्मेदारी नहीं है लेकिन टोल मर्द पे ज्यादा आएगा क्योंकि वो घर का सरबरा था अगर कोई चीजें खराब हुई हैं तो उसको ज्यादा कुर्बानी देनी चाहिए थी नीचे वाले या उसके मातहत जो लोग हैं वो तो हो सकता है खराब हो हो सकता एक है एक तो है ना इसको आप तीन स्टेजे में कर लें एक है नसीब में ही अजीब सा इंसान मिल गया किसी ठीक है मतलब तो बेसिक के ऊपर ही आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला सिक्सटी परसेंट हाई वैल्यू में अक्सर लोग इसी पे कह देंगे यार तुम थी ऐसी <laughs> नहीं देखें अगर आप शुरू में ही हाई वैल्यू मेल और हाई वैल्यू फीमेल नहीं मिली किसी को अब इसके बाद जो उसने करना है उस पर बड़ी डिबेट हो सकती है बड़ी बहस है कि भाई मुझे शुरुआत ही अच्छी नहीं मिली किसी के शुरुआत अच्छी मिली अच्छा इंसान मिला आपको और उसके बाद आपकी एक बेवकूफियों के बड़े भंड हैं इतनी बड़ी सीरीज ऑफ <coughs> स्टूपिडिटीज़ हैं जिसके तहत वो शेप अप करके ये बन चुके हैं उसको डिटॉक्स करना है उसको रिवर्स करना है <coughs> ये दूसरा मसला है तीसरा मसला ये है कि नसीब ठीक था नहीं था जो भी था उसके बाद जो भी आपके मुकद्दर में लिखा था और अगर वो आपके मुताबिक ठीक नहीं था आपने उसको मज़ीद खराब किया और अब वो एक ऐसी स्टेट पे आ चुका हुआ है कि वो डिटेरियोरेट करेगा में भी और मिलने में भी इतनी बुरी हालत में आपने अपनी शादी को पहुंचा दिया हुआ तो अगर कोई चीज़ स्टार्टिंग में भी खराब होती है तो एक समझदार इंसान उसको ठीक कर सकता है और अल्लाह उसको अंदर अपॉर्चुनिटी होती है अल्लाह बरकत डाल देगा उसके अंदर तो हम इसको यहाँ पे कहना चाहेंगे कि जो शादी होती है उसे हंड्रेड हंड्रेड में नहीं रखा जाता कि औरत की हंड्रेड परसेंट के मुताबिक मर्द हो और मर्द की हंड्रेड परसेंट के मुताबिक औरत हो ये नहीं हो सकता इन्हें बोलें ये मार्च पर जा कर ढूँढ लें या ये आखरत जन्नत में जाके ढूंढ ढूँढ लें वहाँ हो जाएगा बात आएगी कहीं पर सेवेंटी थर्टी के ऊपर भाई कि सेवेंटी जो है ये शख्स जो है मेरे मेरे लिए रहमत भी है मेरा पॉन्ड भी है थर्टी तो रहेगा ही रहेगा कहीं 30, 35. औरत भी यही कहेगी, भी यह कहेगा के भाई है, आ, इट लोगों के साथ तो इत, इत्स अ, इत्स आ, कुछ चीज़ें आपके मुताबिक है कुछ चीज आपके मुताबिक नहीं है जो नहीं है हो सकता है वो फ्यूचर में आपके मुताबिक हो जाए हो ही नहीं सकी ना कभी भी फिर भी आप पैकेज में ये रखेंगे बीस साल के बीस साल का माइंड सेट जो होगा ना बीस से तीस का या पंद्रह से भी वो वो उसको सिर्फ एक लकीर दिखती है ठीक है लकीर मैंगे. के उस पार एक सोच है और लकीर के इस पार एक सोच है हुँ. ये ब्लैक एंड वाइट के बहुत तेज होंगे इन बच्चों के इनकी जिंदगी के हर पहलू में आपको एक लकीर दिखेगी दे ड्रॉ अ लाइन अपने माँ बाप को वो एक मिनट में प्लेस कर देंगे और एक इंसिडेंट में आप प्लेस कर देंगे हमारे हाँ जैसे जो है ना बूढ़ों की जिंदगी में इस तरह नहीं सोचा जाता मिच्योर जिंदगी के अंदर जो एक समझदार जिंदगी के अंदर आप आते हो प्रैक्टिकल जिंदगी में आपको दोनों प्लेसमेंट्स के साथ ही जुड़ना पड़ता है भाई थर्टी परसेंट ब्लैक है सेवेंटी परसेंट वाइट है तो मैं ये डील साइन कर लेता हूँ मैं इतना ही इतना ही ये बड़ी बात है जो मुझे मिल है। रही है ये अच्छी डील है ठीक है सक्सेसफुल मैरिज के अंदर कोई इक्वेशन अगर मैं एक दो इक्वेशंस बोलूंगा आपके सामने आपने हाँ या ना कहना या फिर आपने उस पर एक्सप्लेन कर तो अच्छी बात हो जाएगी कि घर चल जाएगा कि अगर औरत सेक्रीफाइस कर दे तो घर चल जाएगा अगर औरत सेक्रीफाइस कर ले तो तो औरत तो सेक्रीफाइस करती है ये इस इस माशरे में औरत ने कब स्टैंड लिया है तो वो कह रहे हैं तुम घर चलाना है ना तुम झुक जाओ आपके यहाँ परफेक्ट मैरिजेस का मतलब ही भाईजन औरतों की बलि है That is what I am saying, ना? आप जैसे बहुत सक्सेसफुल मैरिज समझते हो ना वो असल में औरत की एक ओवर एक्सटेंडेड मेंटल हेल्थ अपनी खराब करके एक बर्दाश्त है And yet, ये कोई सक्सेसफुल मैरिज नहीं है रूनिंग समन्स मेंटल हेल्थ एंड येट यू आर कॉलिंग इट अ सक्सेसफुल मैरिज सक्सेसफुल मैरिज आपके यहाँ वो मानी जाती है जिसमें औरत जो है ना एक बुत बना के घर में बैठी रहेगी और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल्का पुल्का जिंदा रहने के लिए वेंट आउट करके टूटी बूटी हालत में हालत में अपनी फिफ्टीज तक पहुँचेगी जी हम मोहतरम ने बहुत मौ, मौसू ने बहुत इनकलाबी और सक्सेसफुल शादी गुजारी है अपने आप को बर्बाद करके दिस इज़ नॉट अ सक्सेसफुल मैरिज लेकिन मिसाल आपको यही मिलेगी सगीर के अंदर सब कॉन्टिनेंट में कि भाई इन औरतों को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है जिन्होंने बहुत काट काटी है इसमें हमारी माएँ भी होंगी हमारी दुनिया की आ, तो ये एक एरिया है सक्सेसफुल मार ऑब्वियसली उसने अपनी बलि चढ़ा दी तो ख़ानदान चल रहा है और आपको बहुत इंसेंसिटिविटीज़ मिलेंगी मर्द की तरफ से जो सिक्सटी सेवेंटीज़ के बाद के हैं और आपको एक रिजिडिटी मिलेगी और एक मैं तो गलत हो ही नहीं सकता औरत पैर की जूती है उसे समझना चाहिए आपके घर खाना वो बनाएगी और बनाएगी अच्छी बात है ये सारी चीज़ें तो है ही हैं लेकिन आपके यहाँ सक्सेसफुल मैरिज का जो क्राइटेरिया है ना वो औरत की एब खामोशी है सरेंडर है उसका सरेंडर है वो इशू नहीं खड़ा करें मर्द शराब पिए मर्द अब्यूसिव हो मर्द अब हो मर्द के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हों मर्द जो है वो आ, और लोग कहते हैं ये तो हमारे में मर्दों को चलो तो चलते रहता है मैंने औ, ये भी सुना आ, और अगर वो वो उसके लिए तैयार होके आएगी ये बदबू में भी जाएगा तो उस इसके ऊपर कोई हक लागू नहीं है मर्द तो बेटा करते ही हजरत बाहर जाते हैं तो बहुत तैयार होके जाते हैं घर में अपनी बीवी के पास आएंगे तो इन्हें कोई मैं बाल अच्छे मैं वो उसको उसको ये रिवायत आप कोर्ट कर देते हैं कि अगर ये रात को मर्द इसको बुलाए और ये नहीं आए तो इस पर फरिश्ते लानते भेजते हैं ये रिवायत आप बहुत कोर्ट करेंगे लेकिन वो गंदा मैला होके भी आ जाएगा तो उस पर कोई लागू नहीं होगा आपके यहाँ ये चलता नहीं है रिवाय मेहनती शख्स है ना मेरे आपके माइंड के अंदर ना एक गुलामी का परस्पेक्टिव रखा जाता है कि उसने सर्व करना है मैरिज का जो परस्पेक्टिव असल इस्लाम में भी है और जो एक नेचुरल इंसानियत के लिहाज से भी है वो मैंने आपसे क्या ना मुबद्दा और रहा है वो कि वो एक दूसरे के लिए भाई से रहमत होंगे और उनका एक बॉन्ड होगा और एक एक खिंचाव होगा एक दूसरे की ठीक है मैं इसको बस मैं खत्म कर दू आप आगे ले तो obviously, अभी यहाँ पर अभी तक की सारी बात है ना बहुत से मर्द जो है ना वो मेरे बारे में क्या कह रहे होंगे और क्या सोच रहे होंगे और क्या कहना हम अभी दूसरा एंड भी लेके देंगे लेकिन हम पहले जो एक हमारे सोसाइटी का पिटावा हुआ तबका है उसके हक में आवाज उठाना ही हक की हक, हक बात है दूसरी क्वेश्चन ये अ परफेक्ट मैरिज इज इज एंड वाइफ अ टीम टीम एक वर्क है जिसके अंदर दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों जो है वो फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फिजिकली भी कर रहे हैं बच्चों के लिहाज से भी कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी औरतों को ये कंप्लेन नहीं होती कि पैसे नहीं दे रहा या टाइम नहीं दे रहा बच्चों को टाइम नहीं दे रहा ये भी मसला है इफ दे आर अ टीम देन वन थिंग इज अचीव्ड माशाल्लाह से कि भाई इन दोनों के अंदर इस अंडरस्टैंडिंग का एलिमेंट है कि मिल के चलाएंगे लेकिन इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि बड़ा कौन है hmm. ये शादी वहां पर बहुत कैटास्ट्रोफिकली हिट करेगी क्योंकि जब एक डिसीशन एक लेवल के ऊपर दो भी हो तो सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया एक, एक को अमीर चूज <coughs> करें बड़ा कौन है तो टीम वर्क के अंदर जो है ना कैप्टन कौन सी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है और अगर वो नहीं होगी और इवेंचुअली टीम स्टाइल कपल्स के अंदर ये नुकसान होता है कि औरत ये कह देगी उसको कि हमें ऊपर नीचे के वाली क्या कहानी हो बड़ा छोटा क्या होता बराबर हैं बस तुमने भी कुर्बानियाँ दी हमने भी कुर्बानियाँ दी तो ये एलिमेंट अगर उस मैरिज में आएगा तो वो टीम 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 जो है ना वो फिर टीम बन जाएगी आगे से आउट ंग okay. दीम उसका बड़ा होना स्टेबलिश होना उस शादी में बहुत जरूरी है तो उसको बड़ा जो बनाएगी वो औरत होगी मर्द अपने आप को खुद बड़ा नहीं कर सकता ये बड़ा इम्पोर्टेंट uh, मेरा कोटेशन है जी खुद खुद क्लेम नहीं करता वो भीख नहीं मांगता बड़े होने की मर्द को रिश्ते में दर्जा बड़ा देना ना ये औरत का काम है वो करेगी चाहे उसके साथ ज़्यादी हुई है नहीं हुई जो भी ऐसा ये ये मर्द ख़ुद नहीं क्लेम कर सकता अगर औरत डिसाइड कर ले कि मैं इसको मिट्टी कर दूंगी तो वो उसकी औलाद उसके आगे खड़ी कर देगी तो बाप का औलाद के दिल के अंदर एक बुरा इमेज माँ खड़ा करती है बाप तो बेवकूफियां करता ही करता है ना मैं तो मर्द को मैं तो मर्द को पूरे आपकी आज की गुफ्त में बैश करता रहूंगा लेकिन असल जो उसकी पोजीशन क्लेम करती है ना उसकी किंगडम पे जो राज है वो उसकी बीवी बनवाएगी लोग उसे आके कान भरेंगे उसके उसको की करेंगे और ये बड़ी अच्छी होती है ना जो इर्द गिर्द औरतें घूम रही होती हैं औरतों के जो घरों को बर्बाद करने के अंदर इतना प्यारा इनका रोल रोल होता है ये मेरी अपनी मेरी बेटियाँ मेरी बच्चियाँ सुन रही हैं मुझे मेरी बहनें सुन रही हैं दुनिया जहाँ है, में आज माशा में लोग मानते भी हैं सुनते भी हैं यू नेवर लिसन यू नो द डीमेन द फर्स्ट पर्सन टू कम टू अ कपल टू एडवाइज़ दम अबाउट मैरिज विल ऑलवेज बी अ डीमेन रिमेंबर दैट शैतान होगा जो सबसे पहले मैरिज काउंसलिंग देने आएगा आपको इर्द <laughs> गिर्द जो ख़ानदान में चल रहा होता है नेवर लिसन टू दैम ये आपका घर है आपने खुद संभाल लें और आज अगर आपको ये बातें सुनने को मिल रही है वैसे मेरा मैनेज मेरा हैप्पी मैरिज का कोर्स था ना जी तो मेरी उसमें मतलब तो दो ढाई सौ लोग बैठे हुए थे तो मैंने औरतें भी थी औरतें ज़्यादा थीं मर्द भी मैंने उनसे एक बात सवाल पूछा ना क्या सीखा आपने उन्होंने कहा जो हमारी माओं ने भी बापों ने भी बात नहीं सिखाई ना वो हमने शेख साहब से सीखा तो मैं एज़ अ फादरली फिगर इनको समझाऊंगा ये बच्चियाँ नए मैरिज आने वाले उसको जो बड़ा बनाना है ना वो वो करवाएगी अपने ससुराल अपने मैके में अपने औलाद के आगे अपने सर्कल में वो वो करवाएगी वो खुद नहीं कर सकता अच्छा उसने और और उसने क्या करना है उस पर तो आप जितना मुझसे बुलवा लें आज मैं तो बोलता रहूँगा उसकी जिम्मेदारी लेकिन उसकी जिम्मेदारियों के बावजूद भी अगर औरत चाहेगी तो उसे जीरो कर सकती है सो so, ये टीम टीम वाली बात के अंदर ना अच्छा लगता है ये टीम कपल्स लेकिन एक टाइम पर एक सिस्टम का में बड़ा होना किसी का बहुत जरूरी है तो उस टीम कपल के अंदर अगर औरत की ये कंट्रीब्यूशन नहीं है कि मर्द को बड़ा बनाया जाए तो वो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सी परेशानियां खुद खड़ा कर लेगी एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले गया नहीं उसके इर्द गिर्द अगर वो प्रोटेक्टर ही नहीं देखें हर जगह पे हर इंसान हर जगह चल नहीं सकता ना सही है ऐसे मेरे बच्चे अगर पाल ले तो मेरी बीवी ने पाल ले ना मैं अगर नेचर का लॉ तोड़ के वहां जाऊंगा ना जिसके लिए मैं बनाया नहीं गया तो एक एक सिस्टम ख़राब होगा ना मेरा मेंटल स्ट्रक्चर बनाया नहीं गया मेरे पास वो लेवल ऑफ पेशेंस ही नहीं है जो मैं एक दे सकता हूँ मेरे नेचर में ही नहीं है वहाँ पेशेंस दिखाना तो मैं ख़राब कर दूंगा मैं बच्चे के साथ ऐसी ज्यादा कर दूंगा जो उसका हक नहीं और औरत वहाँ पर कंडिशनली क्रिएट की गई है बर्दाश्त करने के लिए वो पेन बर्दाश्त करने के लिए आप जब मुझे डालेंगे आप देखें फसाद हो जाएगा और जिस जगह पर मैं लड़ने के लिए और जो मेरा स्पेक्ट्रम है वहां वहां पे जंग का, ये एक दिन नहीं सरवाइव कर सकेंगे ठीक है जिस जंगल के अंदर हम राज करते हैं उस जंगल में ये एक दिन नहीं सरवाइव कर सकेंगे हर किसी की अपनी एक्सपर्ट जब वो सर्वाइव करने आएगी ना तो फिर औरत नहीं रहेगी आप देख लीजिएगा अगर वो मजबूरन भी आएगी ना तो आप देख लें टोल जरूर आएगा पर्सनैलिटी ठीक है जब औरत अपनी जिंदगी के सर्वाइवल की रोटी का बड़ा मकान की जंग खुद लड़ रही होगी ना आप देखना उसका टोल होगा उसके ऊपर ठीक है ये मर्द का काम है करना शेख तीसरी आपसलूक स्टेटमेंट है कि मिया बीवी का घर तब बन सकता है कि जब अकेले रहते हों और जॉइंट फैमिली सिस्टम ना हो यानी इन लॉज जो सास सासर या सास की जो इंटरवेंशन है वो ना हो तो ये हंसी खुशी रह सकते हैं भाई देखें फिर वो ये एज स्पैन जनरेशन गैप का बहुत बड़ा फर्क है पहले की जनरेशन पाकिस्तानी एक क्लैर क्लैरिफाई कर दूं यानी खूबसूरत शादी का रास्ता एक ही है कि सास से लतगी नहीं इसके बारे में आपने बताया नहीं, नहीं 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 सास अच्छी हो बुरी हो एक देखें अगर तो फिर हमारा उससे सवाल होगा कि तूने अगर तू अगर वो सास के साथ नहीं चल सकती ना ना चले हमें ये प्रूफ कर दे कि वो अपनी माँ के अंडर सही चली है अगर वो एक प्रॉपर मंजी हुई तगड़ी औरत के नीचे रही हुई है ना वो बच्ची तो वो घर संभाल लेगी वो हम इस बात को प्रूफ दे मतलब प्रूफ से मुराद ये हुई अपने आप को प्रूफ दे कि अगर वो एक सही मंजी हुई औरत के नीचे रही हुई बेटी है ना तो वो निकाल लेगी उसको वो सारे उसूल अगर माँ से मिले हुए हैं कि खानदान कैसे चलाया जाता है लोगों को कैसे केटर करना है क्या बर्दाश्त करना पड़ता है देवरानियाँ जठानियाँ उसकी माँ ने अगर उसको ये चीज़ क्लियर की हुई है कि बेटा तूने खानदान बनाना है तो उस औरत की बेटी है जिसने अपने दौर के बड़े बड़े पहाड़ सहे हुए हैं तो अगर ये ट्रेनिंग हुई हुई है तो वो इस आदमी के साथ उसकी किंगडम को बढ़ाएगी आगे सिर्फ उसके फैमिली के साथ नहीं इस आदमी का जितना विजन होगा वो हर जगह कॉम्प्लीमेंट कर रही होगी अगर ये नहीं है तो भाई आज नहीं तो कल औरत को किसी औरत के साथ रह के नीचे नहीं कहूँगा वर्ड औरत की ट्रेनिंग का एक लेवल ऐसा है जो मर्द नहीं कर सकता उससे ये रॉक सॉलिड बात है देर इज अ वे ऑफ यू नो ब्रीचिंग आउट टू अ मैन कैन नॉट डू वुमन हु कैन मेक अ वुमन अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स एंड देन देर इज अ प्लेस वेयर अ वन कैन मेक अ मैन अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स वेरी बेटर मच बेटर देन देन इन द वर्ल्ड एंड इज एन इशू जहां मर्द को सिर्फ एक मर्द समझ सकता है औरत भी नहीं समझ सकती मैं और एक ऐसा बड़ा एस्पेक्ट है जहां एक मर्द को एक औरत एक फेमिनिन प्रेजेंस समझ सकती है तो अगर तो ये सास के अंडर नहीं रहना चाहती अच्छी हो या बुरी हो तो इसका मतलब है ट्रेनिंग कर्व जो है और ग्रोइंग ग्रो, कर्व जो है इसके माइंड के अंदर पीपल रिलेशनशिप और मैनेजमेंट का इस इसके अंदर शौक ही नहीं है और उन्होंने जो बच्ची दी है उन्होंने इस बुनियाद पर बेटियां पाली नहीं है कि भाई इन्होंने एक दिन किसी और के चमन में जाना है एक और की जिंदगी में जाना है आज अगर सास नहीं आएगी तो तो किसी और शक्ल में एक ट्रायल आ सकता है सही है आप इंसानों से क्यों कताु ताल्लुकी कर रहे हैं इसका मतलब है भाजन वो शादी जो सिर्फ अपने अंदर ही रह के खत्म हो गई मैं तो इस इस मैरिज के अंदर मेरे मेरी पर्सनल राय right के अंदर यानी इट कुड बी अ फैक्टर के पे लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप अगर सात से ज्यादा आदाएंगे तो आपकी शादी अच्छी हो जाएगी नहीं 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 बल्कि मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान की जो औरतें हैं प्रेजेंट की जो सेवेंटीज की माएं हैं या उनके अंडर अगर भाई देखें जो जालिम लोग हैं मैं उनको तो हमेशा ही बैश करूंगा लेकिन अब आप ये तो नहीं कह सकते ना पाकिस्तान की बीस करोड़ आवाम के अंदर जितनी भी माएँ और सासें बैठी हुई है, हैं ससुराल के वो सारे की सारी बेदर्दी होंगे ऐसा थोड़ी होगा तो अगर होगा भी सही भाई कहीं ना कहीं तो इस, इसकी मिसाल आप ऐसे लें मैंने इंजेक्शन लगवाना ही लगवाना है उसके बगैर मेरी लाइफ में मेरा इलाज नहीं हो सकता अब मैं आगा खान चूज करूँ मैं शौकत खानम चूज करूँ मैं ज़ियाउद्दीन चूज करूँ मैं लियाकत चूज करूँ चूज मुझे करना है अच्छा ऑप्शन ये है मेरी नज़र में कि वो जो है ना मैं तो कहूँगा ज़ियाउद्दीन चला जाए कोई कहेगा भाई लिया जाना तो आपको है ना तो किसी ना किसी के साथ तो आपको रह के अपने आप को ऐसी जिंदगी गुजारनी पड़ती है जहां उसके लॉज अबाइड करने आप कह रहे हैं ये ग्रूमिंग आपकी ग्रूमिंग समझता कि अगर एक औरत जो है वो इस माहौल में नहीं रही भी और उसमें वो प्रेशर नहीं कंटेन किया तो उसका वो मसल ग्रो नहीं करेगा मैं इसके मैं इसके हक़ में नहीं उसमें उसका जो डैमेज होगा और वो हस्बैंड का काम है पूरा करना कि भाई क्योंकि वो एक ट्रेनिंग सेशन में चल रही है यहाँ पर आज से चार पाँच साल के बाद हम लोग बाहर कहीं चले जाएंगे मेरी अपनी लाइफ होगी हो सकता है मैं फ़ौरन चला जाऊँ हो सकता है मैं अपना घर बना लूँ लेकिन एक अच्छी सास और एक अच्छी माँ एक बेटी को बहुत पावरफुल प्रिंसिपल्स दे सकती है कि खानदान चलाए कैसे जाते हैं अब आप है। के मॉडर्न हाँ जमाने के में जो आप जनरेशन है आप लोग तो कहते हो भाई हमें करना ही नहीं है कुछ हमें कोई ताल्लुक ही नहीं रखना है हमने शरीका चलाना ही नहीं है तो ठीक है अब ना ना रहेगी बास ना की बास बजेगी अब आप जो दौर <laughs> आ रहा है वो अनप्लगिंग वाला है भाई यहाँ नहीं हुआ तो मुल्क छोड़ दो वहां नहीं हुआ तो वहां से वहां भाग जाओ ये रिश्ता नहीं चला तो भाई कतलु ही कर लो मुझे फटीके पसूड़िया पालने की जरूरत नहीं है फाइन अगर ये जनरेशन आ रहा है ठीक तो है ये, ये कॉन्सेप्ट जो आपने अभी बोला ना कि भाई लोगों ने अपने बड़े बड़े घर छोड़े हैं दो दो हजार गज के वो कह रहे हैं मैं अपार्टमेंट में रह लूंगा अकेले रह लूंगा ये पूरे शरीके के साथ पूरे खानदान के साथ घुल मिल के रहना और कभी इसकी बर्दाश्त करना कभी उसकी कभी इसके अल्फाज बता रहा हूँ एक कम्बाइंड फैमिली के अंदर जो पंजाबी में वर्ड है रौला पंजाबी का वर्ड है रौला जहाँ रौला है ना ये अंदर जो जब दो स्ट्रेस और टोल है ना वो इतना ज्यादा होगा कि आदमी एक टाइम पर ना चौक हो जाएगा गले तक कि भाई मैं निकलूँ इसमें लेकिन जो ब्यूटी ऑफ बीइंग टुगेदर है ना अगर वहां पर वो चीज़ स्टैब्लिश हो जाए एक पावरफुल लीडरशिप के थ्रू देखिए मैंने आपको इंडिविजुअलिज्म वाले पॉडकास्ट में कहा था ना भैया इनफरादियत को तो ये टेंश, टेंशन आएगी नहीं सही है ये सारे मसाइल वहाँ के हैं जब सब मिल के रहते हो तो अब अगर यहाँ पर आप लेवरेज दे के भाई औरत को एक अपना घर होना चाहिए तो ठीक है करे क्या नहीं आज हम नहीं रहते सही है पॉइंट यहाँ पर ये है भाई कि अगर सब ने ही इनफरादियत सोच लेनी और किसी ने मिल नहीं रहना आपस में तो इसका मतलब है वी हम उम्मा बनाने की बातें करते हैं हम घर में तो उम्मत बना नहीं सके सही है तो ये बात कितनी अच्छी है कभी हमारे बड़ों ने किसी मैं किसी के बारे में पूछता था ना कि आपकी क्या राय है इस लीडर के बारे में वो कहते हैं उसका घर वो घर नहीं सही चला सका तो वो ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ी हाँ वो घर नहीं सही चला सका तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या सही चलाएगा तो हम आपसे पूछते हैं भाईजान कि आप जब शादी किया है शादी इस बात की दलील है कि भाई आपने बहुत कुछ अपने आप को ट्रेन किया होगा एक इंसान के साथ गुजारा करने के लिए जब वो क्लोज इंट्रैक्शन में आएगा आपका सही। तो जब एक मुल्क की क्यादत के पास अवाम के मसले आएंगे और वो क्लोज होंगे वो स्ट्रेस उसके साथ क्लोज होगा तो ले सकता है नहीं ले सकता शादी भी ट्रेनिंग है एक इंसान की लीडरशिप की सही कि भाई वेन यू आर दूर दूर सकते तो आप भी नहीं चुभेंगे ना मुझे बट वेन यूर क्लोज टू मी और वो उसकी वाइब्स क्लोज है उसकी इमोशनलिटी क्लोज है तो वो डेंट हो रहा होगा ना मेरे ऊपर तो अगर मैं इतना स्ट्रेस ले सकता हूं तो मैं वो कहते हैं द रूल ऑफ सक्सेस इज़ द मोर द स्ट्रेस यू कैन टेक इज़ द बिग ए द किंगडम यू कैन मेक सही तो जब आप एक बीवी का स्ट्रेस नहीं ले सकते बीवी मर्द का स्ट्रेस नहीं ले सकती दोनों मिलके एक खानदान का स्ट्रेस नहीं ले सकते तो आपने कुछ क्या क्या बनाना है आपने फिर ज़िंदगी के अंदर तो वो इंड, वो, वो मैरिज अगर इंडिविजुअलिज्म का शिकार हो के साइड में हुई भी है ठीक है बी बचन ठीक है यही तो हो रहा है और फिर इसको आप आके ये वाला इंजेक्शन दोगे कि ये उम्मत का पार्ट बन के इनकलाब लें ये कभी नहीं हो सकता बेसिक डी एन ए में खराबी है यहाँ पर ठीक है मैं इसके हक में नहीं हूं कि साथ नहीं रहना चाहिए लेकिन होता नहीं है आ, और घर की एक लीडरशिप अगर बेवकूफ हुई तो बच्चे फिर भागेंगे वहां से जल्दी अगर घर की लीडरशिप तो इसी के ऊपर इसी के ऊपर एक और एक क्वेश्चन है कि अगर सास सर उसको बेटी बना लें तो वो जन्नत बन जाएगा घर अगर वो उसे बहू समझेंगे तो वो ही रहेगा हमेशा तो फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज सासों को चाहिए कि अपने अगर बेटों का घर बचाना है उनको तो उनके आपस के मामला में बोलना बंद कर दें फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज एक सास को यह समझना चाहिए कि द डे एक माँ को अपने बेटे के लिए समझना चाहिए कि द डे ही इज़ गॉन टू कॉलेज टेन परसेंट बेटा मैं लूज कर चुकी हूँ डे ही टू यूनिवर्सिटी मैं ट्वेंटी परसेंट बेटा लूज कर चुकी हूँ डे ही गोश्त टू हिज ऑफिस और हिज वर्क प्लेस मैं थर्टी परसेंट बेटा लूज कर चुकी हूँ एंड द डे ही गेट्स मैरिड मैं फिफ्टी परसेंट बेटा लूज कर चुकी हूँ साइकोलॉजी में अब और चीजें आ चुकी हैं मेरे बच्चे के मेरा बच्चा नहीं वो इस उससे निकल जाए हाउ कैन यू डू दिस मेरा बेटा अब नेचुरली चाहते हुए बिना हंड्रेड परसेंट अगर मुझ में पुटअप करेगा किसी का हक मारेगा तो वो बर्बाद कर देगा किसी और चीज़ को सही है इनको ये सोचना चाहिए इसके तहत वो अपने बेटे को कभी उस पोजिशन में ना खड़ा करें कि चूज बिटवीन द टू ये बेवकूफी माँ करेगी यू आर आस्किन इट्स नॉट अबाउट चूजिंग बिटवीन यू एंड इट्स अ नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स कि मैं सारी जिंदगी आपके गोद में नहीं रह सकता था ठीक है अब देखते हैं कि बीवी का काम क्या है बीवी को यह समझना चाहिए कि मेरे पास आने से पहले ही साइकोलॉजी में बहुत कुछ होगा हंड्रेड परसेंट माँ का माँ की जगह है उसके दिल में ठीक है मामाज बॉय है मामाज बॉय है फिर पैशन है विजन है एक विजनरी आदमी के आगे तो माँ बाप भी कुछ नहीं होते बीवी भी कुछ नहीं होती भाई भी कुछ नहीं होते दोस्त उसका विजन होता है सब कुछ तो विजन और एक गैरतमंद आदमी का विजन होगा ये भी बता दूँ एक गैरतमंद हाई क्वालिटी मेल वो होगा जब आपने उससे पूछना है ना शादी करने के लिए भाई आपकी क्या सोच है मेरी सोच ही है तो वहाँ पर इस कॉम्पोजिशन पे बॉन्ड होना चाहिए कि मैं आपको वहां तक पहुंचने में मैं हेल्प करूंगी क्योंकि तो उसे पार्टनरशिप चाहिए उसे कंपेनियनशिप चाहिए तो ज़िंदगी के अंदर किसी जगह पर मकाम बनाने के लिए ना आपको एक ऐसी रात आती है आपके पास ऐसी ऐसी रातें आती हैं जहाँ आप अपने स्पाउस के अलावा किसी से बात नहीं कर सकते आप बता ही नहीं सकते किसी को वो भी नहीं समझ सकती होगी यू नीड समन टू टॉक टू ह्यूमन माइंड की रिलैक्सेशन और ह्यूमन माइंड के की ग्रेस uh, का सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि वो वेंट आउट हो जाए तो अगर वो वह मुसल्ह अल्लाह के आगे नहीं हो सकता तो उसके आगे दुनिया के अंदर रसोल वसम अबू बकर से बात किया करते थे यू टू हिश टू टेक हार्ट आउट ये किया इन्होंने मेरे साथ आयशा से बात किया करते थे अहमा कि आयशा मुझे सबसे ज़्यादा इस दिन हर्ट हुआ था इस दिन मुझे हर्ट किया था लोगों ने सबसे ज़्यादा जब ये किया मेरे साथ ताइफ वालों ने मेरे साथ क्या किया यू यू टॉक टू पीपल नो इट इट इट्स लेट योर हार्ट तो ये ये कॉम्पोटिशन के साथ शादियाँ होती हैं तो अगर वो ये अगर बीवी अगर ये कह के नहीं तू विज़न भी तेरा भाड़ में जाए ठीक hmm. है और तेरी मां भी भाड़ मैं हूं जो तेरी हंड्रेड परसेंट साइकोलॉजी पे मेरा राज होना चाहिए तो इस शी क्रिपलिंग द हस्बैंड और इस शी कॉम्प्लीमेंटिंग द हजबेंड एक्चुअल ग्रोथ टू बिकम अ कॉन्टिनेंटल लीडर तो जिस दिन बीवी उसको स्टैंड पे खड़ा करेगी ना कि चूज बिटवीन द टू तो hmm. यह so याद रखना उसने चूज बीवी को ही करना है ठीक है अब मुझे बताएं वो बीवी को चूज क्यों करे कौन से मर्द बीवी को चूज करते हैं कौन से मर्द और माँ को चूज करते हैं आप बताएं <laughs> जिस आदमी का बड़ा मैं कुछ जुमला बोल दूंगा बड़ा अजीब हो जाएगा लोग कहेंगे जो बीवी को चूज करता है माँ माँ के बगैर वो तो बग़ैरत है जिसने पेट, में नौ महीने रखा, मैंने मैं ना पेट में रखा अब मैं ये बीवियों को समझाने के लिए मैं आपको बताता ना समझाना तो एक टाइम पर ऑब्वियसली आपने कह दिया कि पचास परसेंट लूज कर चुके लेकिन जिस माँ ने पालक बता रहा उसका माइंड सेट क्या आप एक माँ से मैच कर रहे हैं आप उसके साथ जी उसके बेटे के बारे में ये मैं दुनिया को समझाना चाहता हूं और बीवियों को भी आप एक माँ से मैच कर रहे हैं इस चीज की वो उसके गोश्त से बना हुआ है अपने बाप का वो सीमन था अपनी माँ की हड्डियों से भी उसने गोश्त लिया वो जब डेवलपिंग स्टेज में था ना तो कहते न, ना माए अगर खाना ना खाए ना तो फीटस उसकी हड्डियों से ले लेता है अपनी खुराक वो वहां से बना हुआ है और आखिरत में वो माँ के नाम से जाना जाएगा ना बाप से ना बीवी से ये माँ का कैरेक्टर ये माँ का वेट है उस और वो मौत से गुजरती है अभी एक बच्ची का मैंने केस सुना है वो सी सेक्शन के अंदर एक नस गलत काट दी बच्ची डेथ दे, मर गई वो बच्ची फौत हो गई अल्लाह को प्यारी हो गई ये वो टोल काटे नौ महीने का हमल उठाए जिसे अल्लाह कहता है कि ऐसा सख्त तेज है कि अगर फौत हो जाए तो शहीद है फिर पैदा करे फिर हर डेढ़ घंटे के बाद तुझे नेचुरल फीड देने के लिए उसे तीन महीने तक दो महीने तक नींद नहीं मिले तो वो करना डेढ़ हर डेढ़ घंटे के बाद अगर तुझे अपनी माँ के खिदमत करनी पड़े रात को उसको दूध पिलाना पड़े जब वो बूढ़ी है तो डेढ़ घंटे हर डेढ़ घंटे के बाद तूने माँ को का पेशाब साफ करना है माँ के तेरे बूढ़े स्टेज में उनको पैंपर पहनना पड़े करेगा कौन करेगा हमारे अंदर तो यहां पर वो करे वो फिर वो तुझे चलना सिखाए पहला लफ्स सिखाए तुझे कुत गोयाई सिखाए इन छोटी छोटी टांगों के ऊपर उसने तुझे क्रॉल करना सिखाया चलना सिखाया वो खड़ी थी वहां पर तू तो ऐसा बेवकूफ था तू तो ये इलेक्ट्रिक के सॉकेटों में उंगली देने वाला हल अल इंसान यही दरलम लम शायद मस्कूर आ ये तो औकात थी तेरी वहन वहन वहां से वो लेके चली है और इसको यह सिखाया जाए कि भाई पचास परसेंट तू अब मुझे दे दे मेरी बीवी को और तू मुझे थर्टी परसेंट दे दे मेरे ये कभी नहीं होगा वो कभी भी मेंटली किसी हाल में किसी एजुकेशन के थ्रू भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि मेरे बेटे में मेरा हक नहीं है ना मेरा बेटा मेरी प्रॉपर्टी नहीं है ये उसे सिखाइएगा भी नहीं ठीक है मगर बहुत शौर वाली औरतें होंगी जो इस बात को समझ जाए नहीं उसकी जिंदगी के अंदर अब उस मां अगर चाहती है ना कि बेटा साथ रहे उसके तो मेरी उन औरतों को एडवाइस है कि उसे उस कटहरे में खड़े नहीं करना जहां बेवफाई दस साल बात करनी है ना वो दो साल बात करते बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप मैं कह रहा हूं हल्के में ना निकल जाए कि आप उससे उस, उस कटहरे में ना खड़ा करें आप ना खड़ा करें उसको जहां हालात ने में खड़ा कर इस फैसले में सही गलत हो नहीं सकता और एक अपना बेटा उसका वो कहते हैं ना अ मदर इज द फर्स्ट लव ऑफ द बॉय एंड द वाइफ इज द लास्ट लव इन दिस वर्ल्ड मोहब्बत के सबसे पहले क्राइटेरिया को उसने जब समझा था ना तो उसकी माँ थी वो ऐसा फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ लव इट वाज अ वुमन इट वाज हिज मदर ठीक है उसके जिसम का हिस्सा काट के लेके जा रही है वो किसी को शर्म लिहाज नहीं आएगी ये इंडिपेंडेंस के नाम पर आज़ादी के नाम पर उसकी एक बायोलॉजिकल नीड थी कि उसे एक औरत चाहिए फिर उसकी एक सोशल नीड थी कि उसे एक बीवी चाहिए फिर उसे एक स्ट्रक्चरल नीड थी एक हैरारकी एक की नीड थी कि उसे बीवी चाहिए मगर वो इंसान जब बना था ना तो उसके जिसम से बना था आप इसमें मेरे बच्चे ये ये सवाल ही दुनिया का बेवकूफ़ाना सवाल है कि माँ और बीवी ये गलत सवाल है ये दुनिया के सबसे बड़े शैतान का सवाल है अ मैन कैन नॉट चूज़ बिटवीन हिज़ मदर एंड हिज़ वाइफ दोनों की उसकी ज़िंदगी में इतनी कॉम्प्लीमेंटिंग है कि ये कटहरा ही गलत है जहाँ आप उसे खड़ा करते हैं दूसरा एंड ये है कि वो जो लड़की शादी होकर आ रही है उसने भी तो अपना हंड्रेड दिया है किसी और को शादी किया अभी है मैंने इनको ग्लोरीफाई हाँ, किया ना हाँ, माँ को कितना ऊपर ग्लोरीफाई किया कितना इमोशंस खड़े होंगे बबिल वाले ऐसा फला तकुल्लाफा आए अब उसको देखते हैं वो किसी और के घर में पला बड़ा एक फूल है वो किसी और बगीचे का है किसी और माहौल के अंदर वो किसी और की बेटी है वो उसके बाप ने उसको उसके घर के अंदर सब कुछ प्रोवाइड किया जो एक बाप कर सकता है मेरी तेरी बेटी है ना आज जी, जी। जायज ना जायज की कोई शर्त ही नहीं होगी मेरे ख्याल से मेरे बेटे हैं ना मेरे बच्चे हैं मैं सोचता ही नहीं हूं और वैसे मेरा तो मिजाज ही ऐसा है कि मैंने मैं सोचने वाला आदमी नहीं सही। किंग नेवर थिंक्स यू जस्ट डू इट तो औलाद के मामले में यू वॉन्ट मी टू थिंक खर्चा कहां से आएगा पैसे कहां से रहेंगे नो यू डोंट थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन यू गो फॉर इट वो बेटी को पाला है उस बाप ने फूलों की तरह उसकी नजायज जायज सब पूरी की है उसका ड्रेस लेते हुए कभी ब्रांड नहीं देखा उसने एक गरीब भी झोंपड़ झोंपड़बट्टी में रहता होगा ना तो अपनी बेटी के लिए सोचता नहीं होगा कि मैं क्या दे रहा हूं उसको जो वो अपनी कैपेसिटी में कर सकता था वो करता अट्ठारह साल बीस साल उसके बाप ने उसके ऊपर ये तलवार ही नहीं रखी कि ये ठीक है बेटा ये गलत है वो जो मांगती रही वो देता रहा उसको कोई लॉज नहीं थे उसके लिए और अपने जिगर का गोशा काट अपना बेटा आप दे नहीं सकती वो अपने जिगर का टुकड़ा काट के दे रहा है आपको वो अपनी बेटी दे रहा है आपको जिस रात वो उसको ब्याह कर उस बारात में दे रहा होता है ना तो आपको माय रोती हुई दिखेंगी हमेशा नॉर्मल आपकी जो मैरिजेज में मूवीज का जो एक परस्पेक्टिव स्पेक्ट्रम दिखा आपको बाप रोता हुआ नहीं दिखेगा आपको पता है बाप घर आगे रोता है भाई आपको घर आगे रोते हुए दिखेंगे यू नेवर फाइंड द फादर क्राइंग इन दैट इन दैट इन दैट मैरिज मार बाप घर आके अकेला रात को रोता है कि मेरी बेटी चली गई यू आपको पता होना चाहिए डॉटर्स आर ऑलवेज डैड्स डॉटर यू नो वुमेन माँ तो हमेशा जब वो प्यूबर्टी की स्टेज पे थी तो माँ थी बट बेटी वो असल में बाप की होती है सही है। बाप का बेटियों से ना एक सदियों का अबदी ताल्लुक रहा है कि बाप की लॉयल्स बेटियाँ होती हैं बेटा तो वैसे बेवफाइयाँ कर जाता वो काट के दिया ठीक है और दस दिन के बाद या दस महीने के बाद या तीन साल के बाद उस बाप के सीने को कान को ये सुनना पड़ता है कि पेट्रोल छिड़क के मेरी बेटी जला दी इन्होंने आग लगा दी उसके जिगर के टुकड़े को इस ससुराल ने या वो ये सुनता है कि हाथ उठाया उसके दामाद ने उसकी उसके जिगर के टुकड़े पे हाथ उठाया और वो घर आके उसे समझाता है कि बेटा तीए कार बसाई अपना ये एक्सपेक्ट करती है ये सोसाइटी उस बाप से कि वो बेटी को आके समझाएं कि तुमने गुजारा करना है वो उसे दलील करता है उसे मारता है बैठ के वो सोचें उस बाप के यहां पर आप एक माँ को ग्लोरीफाई करें कि उसका बेटा है वो बेटी नहीं है किसी की वो किसी के जिगर का टुकड़ा नहीं है उसकी वो किसी के पेट से नहीं बनी हुई वो किसी के खून से नहीं बनी और फिर उस और, और फिर उसके कान में एक दिन खबर मिलती है कि उससे उससे मासीियों की तरह काम कराया जा रहा है उसे बेटियों की तरह घर में नहीं रखा बेटियों को जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो है और बहू को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है मासियों वाला गैरों वाला वो ये सुनता होगा और फिर भी दर्ज देता होगा अपनी बेटी को बेटा अपने मर्द का साथ दी ये कोई गम नहीं है और वो देखता है कि उसको जो है ना वो प्राइवेसी नहीं है उसकी बेटी के पास ठीक है कमरे की कमी है और पॉलिटिक्स चल रही है उसके खिलाफ और दूसरी उस घर की दूसरी बहुएं जो है उस उसके खिलाफ पॉलिटिक्स मेरी बच्ची को मैंने सियासत सिखाई नहीं कभी नहीं। है मेरी बच्ची को ये आग लगाना चापलोसियाँ करना लगाई बुझाई करनी नहीं आती वो बाप वो सुनता होगा और वो माँ माँ का मैं यहाँ इसलिए वो बाप की बेटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैन आर वेरी अ फादर ऑफ अ डॉटर इज़ वो कहते हैं ना वो सारी जिंदगी जो है ना वो सीने का दर गम होगा उसका क्यों क्योंकि उसने अपनी बेटी किसी के घर में दिया मौत तक उसको ये टेंशन रहेगी कि मेरी बच्ची को कोई तकलीफ तो नहीं है वो गर्दन झुका लेता है सफेद दाड़ियों के साथ अपनी बेटियों के लिए उनके बापों को उनके ससुराल रख दी पगड़ियां रखते हुए देखा है लोगों को हमने के मेरी बेटी का घर बच जाए वो आदमी जो किसी के थल्ले नहीं आ सकता कभी वो अपनी बेटी के वजह से मजबूर हो जाता है क्योंकि उस दौर की थॉट यही थी कि मैयत ही आती है ससुराल से लेकिन अब ऐसा नहीं है अब बापों के सर इसलिए नहीं झुकेंगे क्योंकि बेटियां बहुत स्ट्रांग हो गई हैं लड़कियों में अब दम आ गया है घर बैठ के औरत पैसे कमा सकती है अमेजोन पे बैठ के चार पैसे हलाल के कमा सकती है इनको जरा समझना चाहिए आप सपोर्ट करते हैं इसको औरत अगर बेटियां स्ट्रांग हो गई हैं अगर औरत अपने जायज स्पेक्ट्रम के अंदर पैसे कमा सकती है और अपनी सारी शरी हदूद को रखते हुए कोई हक कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती उसको हम रोक नहीं मैं कमाने की बात नहीं कर रहा मैं इस जुमने की बात कर मैं रहा हमा, हमारी मैं हमारी उस, बेटियां स्ट्रांग हो गई हैं मैं इस जुल्म के खिलाफ जरूर समझता हूँ कि जो लोग एक औरत को मजबूर समझ के उसे कोने के अंदर किसी अंधेरे कमरे के अंदर बैठ के उस पर ज्यादा कर रहे हैं और आसमान वाले के अलावा कोई नहीं देख रहा उनको आ, मैं बहुत खुश हूं वो औरतें अगर स्ट्रांग हो चुकी हैं वुमेन नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटियां स्ट्रोंग वुमेन का मतलब एक बदतमीज औरत नहीं है नहीं नहीं बिल्कुल मैंने आपसे जब पूछा एक, के, स्ट्रौंग वो स्ट्रौंग। का मतलब एक बद अखिला है।, मतलब है कि अल्लाह ना करे अगर उस पर कभी आ जाए तो वो अपने पेरेंट्स के अलावा वो खुद खड़ी हो सकती है वो स्टैंड ले सकती है वो लड़ सकती है अपने लिए वो ये कह सकती है कि आप मुझे हल्के में मत लें और और जहां पर जायज गुलामी बनती है या जायज उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है वो तो चले हर औरत और हर किसी को करना पड़ता है लेकिन एक नजायज लाइन जहां पर औरत की मेंटल हेल्थ खराब हो जाए मैं उसको सपोर्ट करता हूँ बट अ स्ट्रग वन दज मीन के वो मर्द को सरदार uh, uh, ना समझती हामद हामद ही रहेगा उसका जब भी वो एक नेचुरल ऑर्डर से हट के किसी चीज को अप्रोच अगर एक औरत वर्किंग एक वुमेन एक, एक भी है उन्होंने पता होना चाहिए यही आज का फ्लॉ है

सर्विस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे थे ना तो वो ऑन्ट्रप्रनोर थी उस टाइम पर यानी बिजनेस क्या होता है पैसा क्या होता है ठीक है और सेठ कल्चर क्या होता है और एक टोर क्या होती है और एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट क्या होती है माशरे में वो खवालित बेटी को बहुत अच्छे तरीके से पता था जी रस्व डिड नॉट एक्सपीरियंस दैट पार एट दैट टाइम ठीक है ये मैं इस क्लास को जरा दलील देना चाह रहा हूं कि अगर वो इतने एक्सपोजर के बाद भी ना शी वॉज डीपली इन लव विद दिस मैन द लव वॉज मोर सुपीरियर देन द पॉलिटिक्स ही न्यू ये होती है मोहब्बत कि उनके तजर्बे ने उन्हें उनके तजर्बे ने उनको इस तरह की स्लोगनाइजेशन पे नहीं लेके गया कि जी मेरे हकूक मेरे राइट्स मेरा जिसम मेरी मैं वो ये, ये नहीं करवाया उन्होंने उन्होंने इट मेड हर लव अ मैन शी लवड हिम जब उन्होंने वो चीज देखी कि इस, इनकी ऑनेस्टी और सदाकत और अमानत का ये लेवल है फिर जब और रिश्ता खुद भेजा शी प्रपोज हिम ठीक है शी शी प्रपोज और ने एक्सेप्ट किया और एज में भी उनसे बड़े होने के बाद उन्होंने कभी धौंस नहीं जमाई उनके ऊपर कि मेरा आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरा आपसे ज्यादा तजर्बा है मैं उम्र में बड़ी नो शी वॉज शी वॉज ओबीडियंटली कनेक्टेड टू हिम्म करते थे उन्होंने अपनी साइकोलॉजी को कंडीशन किया आप को बड़ा बनाने में यानी ये इसका मतलब ये नहीं कहेंगे हमारे यहाँ एक जुमला कहा जाता है कि भाई फितरती अमल है औरत कमाएगी तो मर्द की इज्जत तो खत्म होगी होगी इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि वे वे एक एक से हमारे यहाँ कहते हैं भाई यूनिवर्सिटी पढ़ी हुई ले, बच्ची लेके आओगे तो जाहिर बात है वो इज्जत तो करेगी नहीं क्योंकि हमारे यहाँ इज्जत कराई जाती है दबाकर कि जब वो दब जब दब, दब सकती है तो इज्जत करेगी देखिए आप आप जार्गन से यूज करें मैंने आपसे पहले ही कहा था शादी के अंदर किसी को बड़ा होना पड़ेगा जब तक वो वो शादी के ऑब्जेक्टिव में वो कप, वो औरत जो है ना फेल हो जाएगी अगरचे वो दूसरे ऑब्जेक्टिव में कामयाब हो जाए अगर वो उसे सरदार नहीं मानती कवाम नहीं मानती बड़ा नहीं मानती ठीक है तो खतीजा ने अपने मैक इतनी पावर के बाद भी ना रसोम को बड़ा मनाया ठीक है रसूल रसोसम की बातें मैटर करती थी उनके लिए रसूल रसोलम इंपॉर्टेंट थे उनके लिए उन्होंने किसी हदीस में आप बता दें यानी ये पॉसिबल है उन्होंने कंडीशन किया ना अपने आप को वो जंग लड़ी ना उन्होंने अपने आप से कि मैं अपने हस्बैंड से ऊपर अपने आप को नहीं रखती हूँ मेरे हस्बैंड ही इज अल्टीमेट अगर माली एतबार से जो एक्सपीरियंस के लिहाज से ताल्लुकात के लिहाज से ट्राइबल के लिहाज से कितने सरदारों की फैमिलियों से उनके ताल्लुक आते वो किसी हल्की फैमिली की थोड़ी थी रसोलम भी हल्के खानदान के नहीं थे लेकिन बहुत फ़र्क था एज एज ब्रैकेट के ऊपर उन्होंने किसी रिवायत में देखा बल्कि रसोलम ने जब अपना इजहार ख्याल किया अम्मा खतीजा अम्मा ने रामा रदी अल्लाह त उस सिचुएशन को डीपली फील करके अपना ओपिनियन दिया रसोल सल्लम गार हरा में के लिए बैठे मैं से ये पूरा वॉक थ्रू लेके आती है किलोमीटर्स का जस्ट टू सर्व इम फूड यू नो ही इम सो इम्पोर्टेंट फॉर ऐसा नहीं था कि मेरी अपनी मेरी अपनी पसूड़ियां चल रही हैं मक्के रसोल सलाम ने जो करो रसोलम इम्पोर्टेंट थे अम्मा खतीजा के लिए मैटर करते थे उनके लिए तो हमें मसला यहाँ पर यह एक पढ़ी लिखी बच्ची चाहे पी भी कर ले Will her husband matter to her or not? Obviously. इनसिक्योरिटी कैसे क्रिएट करेंगे आप कि भाई आप एक स्पेसिफिक स्किल के अंदर उसकी मास्टरी को उसके नेचुरल रोल का बर्बाद क्यों करवा रहे हैं उससे और हस्बैंड को भी इनसिक्योर क्यों होना चाहिए कि उसके स्किल अगर एक गायना गायनी तो एक औरत ही बनेगी ना सही है तो अगर उस स्किल के अंदर उसका एक नाम हो गया वो शोहरत है वो पाकिस्तान की टॉप गायनाकोलॉजिस्ट है तो दुनिया में लोग मानते हैं तो इससे हस्बैंड और वाइफ के बीच में वो इनसिक्योरिटी क्यों आ रही है इसके स्किल का पार्ट था कि उसे फेम मिलेगा घर में बैलेंस किसने करना है इस शादी का टोल ही यही है कि अगर औरत मशहूर हो जाए या औरत फेमस हो जाए या औरत पीर बन जाए इन सेंस कि उसके मोतकदों तो भाई हस्बैंड वहां पे छोटा बोना नहीं बन सकता तो ये दोनों ने सॉर्ट आउट करना है और उसको ये पता रोल चेंज नहीं हो जाएगा घर के अंदर होगा के हमेशा होगा ये हमेशा लोग आएंगे सिग्नेचर दे दें लोग आएंगे हम्बल हो जाएंगे बड़ी बड़ी कामयाब औरतों के हसबेंडों के नाम भी नहीं जानते होंगे लोग लेकिन दे हैव टू फाइट द वॉर घर के अंदर कि भाई घर के अंदर मैं भी घर के अंदर मैं भी शेख हूँ घर के अंदर मैं शेख आतिफ नहीं हूँ ठीक है घर में मैं आतिफ हूँ ठीक है ये दरवाजे के बाहर और इन सेटअप से हट के मैरिज की तरफ मुझे जाना पड़ता है तो जिधर मैं वो एलिमेंट एले, लाऊंगा ना माशाल्लाह आपकी भाभी भी माशाल्लाह बड़े तरीके से हमें समझा देंगी ठीक है क्या मत बने आप होंगे लोगों के ये तस्किया है मर्द का भी तस्किया है वो जो बाहर लाइफ लगा मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं ये सबमिशन दूंगा मैं घर के अंदर कोई कोई चीज नहीं हूं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं कोई फेमस पर्सनालिटी नहीं हूं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूं कोई एक शेख नहीं हूं आई एम मी मी एंड हर चाहे हम रिलीजियस का वी आर ऑन वेरी वो मैरिज है ठीक है आपका जो मसला है वो घर से बाहर है अब जब मसले तो ये भी एक मसला आता है कि जब आप घर में आते हो और अपना प्र, अपना प्रोफेशन छोड़ के आते हो प्रोफेशन घर में आने के लिए ना दरवाजे तोड़ रहा होता है कमिंग टू यू आपको कॉल्स आई वगैरह तो वो भी एक फाइट है वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर भी एक पॉडकास्ट करना मेरे साथ कि प्रोफेशनल वर्क लाइफ बैलेंसिंग कैसी होगी और अगर वो प्रोफेशन फेम ओरिएंटेड हो जाए या पब्लिक ओरिएंटेड हो ओरियंटेड उस, उसको, balance उसको कैसे बैलेंस करेंगे उसमें क्या okay. टिप्स चाहिए होती हैं कि भाई मैं घर के अंदर ठीक है कुछ नहीं समझता अपने आप को लेकिन मेरे okay. साथ तो एक टोल जुड़ा हुआ है ना इतनी बड़ी आवाम का तो वो तो आएंगे एक टाइम पर आप कहीं जा रहे हो तो आपके पार्टनर को थोड़ी कोई पूछेगा आपको लोग पूछ रहे होंगे आप कहीं पर जा रहे होंगे आपके फैंस आ जाएंगे वहां पर उस वक्त यू आर इवन ट्राइंग टू वो आपकी फाइल वहां पर टिप्स देनी पड़ेंगे हमें वहां पर हमें आपको जो ना ये फैन फैन सेलिब्रिटी काउंसलिंग करनी पड़ती है कि भाई आपने अपने पार्टनर के साथ किस तरह रखना है अपने आप को नो मैटर दो लाख का क्राउड आ जाए आपको सर पे उठाने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड शी इज द किंग शी इज एवरीथिंग शी इज द क्वीन शी इज इज एवरी थिंग शी इज अ किंग मेकर यू हैव टू मेक श्योर कि द प्राइड लाइन इज इन द प्राइड क्वीन इज उसको वो बनाने वाली है ना आपको सही है वो आपको यहां पहुंचाने वाली है तो उसके सामने अपनी जो ना अपनी फैन बेस का ना कभी भरम नहीं मारिएगा उसके आगे मैं कुछ आया दो मिनट से सीधा कर देगी दोनों तो <laughs> और एक अच्छा एक अच्छा काबिल समझदार और हाई वैल्यू मर्द कंसिडर रखता है कि वो नाराज ना हो जाए ठीक है नेवर बी केयरलेस कि के मैं कुछ चीज हाँ ये एक ये एक बाइस्ड साइकोपैथिक और साइकोटिक भी हो सकता है मसला वीक कैरेक्टर की निशानी कि भाई मुझे इज्जत और मुझे मेरे टर्म्स पे दुनिया को इसलिए आना चाहिए क्योंकि मैं फेमस हूं मेरे टर्म्स पे दुनिया को इसलिए हाँ कर देनी चाहिए क्योंकि मेरा नाम है मेरे टर्म्स पे दुनिया इसलिए आ जाए क्योंकि मेरे पास दौलत पैसा बहुत है यह एक वीक कैरेक्टर की निशानी है ठीक है और सोच ऐसे कपल्स का या ऐसे रिश्तों का क्या हाल होगा जहां आपके और मेरे बीच में ना मवदा और राहमा मर्सी और कनेक्शन और बॉन्ड के हटके ना कॉस्मेटिक चीजों की वजह से मुझे इज्जत चाहिए सही नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप फेमस हैं आप नहीं है वाइफ इज ऑलवेज राइट रूल नंबर वन ठीक है मर्द हजरात कह रहे हैं शेख साहब क्या हो गया शेख साहब तो बड़े जलाल के अंदर तकरीर करते हैं कैसी बातें कर रहे हैं आप मैं आपको सक्सेसफुल मैरिज की बात बता रहा हूं आपको ये तो हदीस के भी अल्फाज है ना कि जिसके घर वाले उसे के रहते हैं ये तो एक लईम जो है लईम मर्द है जिसने सबको दबा के तो ऊंची आवाज करके लड़ाइयां करके पांच पांच दिन के झगड़े करके कमरे करके शॉट आउट करके वक्त बाहर गुजार के आप अपने स्पाउस को मरने के लिए छोड़ सकते हो यू कैन डू दैट कौन रोक सकता है मर्द को वो एक टाइम पे कह सकते है, भाड़ में जब दुनिया नहीं करता मैं टोल क्या आएगा इसका आपने अपने पार्टनर को अभी हम एक बंदे को देखते हैं वो अपने हस्बैंड को पंद्रह पंद्रह दिन छोड़ के दूसरे शहरों में चली जाती है बच्चे लेके अच्छा ठीक है तो भाई हमारी वाली तो हमारे वाली तो कहेंगे ना हम तो एक दिन नहीं आपके बगैर बर्दाश्त कर सकते कि आप घर नहीं वापस आए तो भाई पॉइंट ये है ना बॉन्डिंग आप ही खराब कर रहे हो ना आपके हस्बैंड से आपकी वाइफ से हटके आपकी प्रायोरिटी क्यों है भाई कैसे आप नाइट स्पेंड कर सकते हैं बाहर क्यों आदत डालें हफ्ते में एक आध दफा भी भी क्यों हो ये ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ जितना आप डालेंगे उतनी मैरिज इतनी रिसोर्सफुल होगी क्योंकि इवेंचुअली आपको ठीक है फ्रेंड्स चाहिए दोस्त चाहिए सर मगर इट्स द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू एंड योर वाइफ एंड वाइफ एंड हस्बैंड उसके बीच में आप वो ठीक है आपको कभी चाहिए आप रिलैक्स करने जाएं आप बाहर जाएं आप लेकिन ये जुमला भी ठीक नहीं भाई क्या 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हो भाई क्यों 24 घंटे नहीं रहे भाई वो और वो एक एक हो चुके हैं दे आर टू बॉडी अचीव तो और छोड़ो और लड़ाइयाँ करो और झगड़े करो और आदत डालो एक दूसरे के बगैर तो बहरहाल मैं चाहूंगा कि अगर आज कुछ बेवकूफियों के ऊपर भी आप बात कर रहे हैं तो मैं से बात करूंगा एक और हम, एक, हम इस साल क्या कर रहे थे बात में इस वाले पॉइंट की जस्ट ये थी कि अगर हजबेंड या वाइफ दोनों में से भी कोई भी किसी को भी सक्सेस मिलता है किसी को फेम मिल जाता है या फिर कोई ज्यादा पढ़ी लिखी होती है या पढ़ा लिखा होता है ज्यादा पैसे वाला होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनके जो डिफॉल्ट रोल्स हैं वो चेंज हो जाएगा वाइफ वाइफ शादी का करियर से कोई ताल्लुक नहीं पीरियड इट ड मैटर तो इसका मतलब ये भी है कि अगर पीएचडी भी हो लड़की तो वो भी हस्बैंड की रिस्पेक्ट कर सकती है और शादियां चल सकती हैं वो अपना पीएचडी जो है ना अपने तक रखे और उसे मैनेज करना है कि उसकी उस सक्सेस के साथ दरवाजे तक उसकी लाइफ पे जो भी शोर आ रहा है ना उसे बंद करना पड़ेगा घर आके और हस्बैंड साहब हैं तो उनको वो तो जो वहां रखनी पड़ेगी घर में तो घर में वो एक अगर, नहीं है। अगर एक मर्द अपने घर में अपना काम लेके आ रहा है तो उसे सोचना पड़ेगा कि ये नुकसान देगी उसको उसे बैलेंस करना पड़ेगा एक टाइम पर ठीक है बड़े घर से लड़की आएगी शादी नहीं चल सकती छोटे घर से लेके आओगे तो शादी चल सकती है दब जाएगी जैसा कहें आप छोटी वाली दब जाएगी कोई ऐसी बात नहीं है अब जो केसेस मेरे सामने आ रहे हैं ना छोटी वाली दब रही है ना बड़ी वाली दब रही है <laughs> किसी घर की बच्ची नहीं दबेगी अब और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि देखिये मसला यहाँ पर यह है ना कि साइकोलॉजी अगर पीछे से वीक आ रही होगी तो देखिए मैरिज में एक ना एक टाइम के ऊपर बम्पी रोड तो होगा ना कहीं ना कहीं तो आपको आप आप इसको ये क्यों नहीं कहते भाई कॉम्प्रोमाइज के बगैर रिश्ते नहीं चलते ठीक है दो लव लव इफ आई आई यू यू हैव टू बर्दाश्त तो थिंग्स फॉर नही अच्छी लगती होंगी और अलहमदुल्ला हम तो फुल डिक्टेटर मिजाज के आदमी तो नहीं हमारे नहीं। हो तो हमारे ही हो लेकिन बहुत कुछ <laughs> बर्दाश्त करना पड़ता है क्यों भाई प्यार है ना भाई करना पड़ेगा सही तो चार चीजें तुम्हारे साथ आएंगी पैकेज के अंदर करेंगे ना बर्दाश्त भाई क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन और, और सिस्टम और सल्तनतें चलाने वाले लोगों की सोच ही होती है भैया हर चीज नहीं हो सकती सही हर चीज सही होने के लिए बहुत कुछ खराब होता है कुछ सही होने के लिए सही तो पैकेज का पार्ट होगा भैया कॉम्प्रोमाइज के बगैर आप ये घर कैसे चलाएंगे तो बड़े घर की है छोटे घर की है गरीब के घर की है और एक तो नसीब है एक तकदीर है एक 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 सिस्टम के अंदर इवेंट्स है लेकिन मेरे ख्याल से यह जरूर देखना चाहिए कि माँ माँ क्या चीज है उसकी और लड़के के लड़की के हवाले से देखना माँ देखे ना भैया मदर चेक द मदर एंड सी द फैमिली और किस तरह चलाया भाई एक माँ है उसने सिस्टम चलाया उसने खानदान सा, निपटाए हैं उसने मुंह दिए हैं लोगों को ऑब्वियसली वो चीज इनकलकेट हुई होगी और लड़के का चेक लेना है ना तो सबसे पहला काम क्या करें रैकी करवाएं बैठता उठता गए घर का माहौल बदा करवाए उसी माहौल का प्रोडक्ट होगा वो और हो सकता है एक बहुत झगड़े वाले घर का बेटा अपनी बीवी पे हाथ ना उठाए क्योंकि बाप उठाता था, था और हो सकता है कि एक बहुत झगड़े वाले घर का बेटा उसी लेगेसी को कंटिन्यू करे हमारे हमारे ताऊ दादा जो थे ना हाँ। वो भी मारते थे हाँ। हमारे बाप ने भी मारा हम भी हाथ उठाएंगे ठीक है ये भी आ सकता है तो इट्स अ, ल, इट्स अ गेम ऑफ लक एज वेल लेकिन फिर वो भी तो रिवायत होगी ना अ तय ले तैये बात सही है। लोगों को तय बात औरतें मिलती हैं लेकिन पॉइंट ये है कि ग्राउंड स्ट्रेटजी ग्राउंड रूल्स भी देखे जाते हैं तो अगर आपने यहाँ पे माहौल की बात की माशाल्लाह से और हदीस में भी आता है कि फर्स्ट फोर भी जो दीन के दीन को तुम प्रायोरिटी दो माहौल उसका असर होगा ना उसके ऊपर उसने अपनी काम करते हुए बात यह है दीन एक पर्सपेक्टिव है हम दीन को यार मैंने हाँ। बहुत से मसले देखे हैं कि अक्सर लड़कियों ने डिवोर्स इसलिए ली क्योंकि माँ की भी हुई थी एक इम्पैक्ट है क्योंकि जब उन... माँ नहीं चला सकी ना जब उसने क्विट कॉल कर तो सकता है एक सक्सेस स्टोरी हो <coughs> माँ एक सक्सेस स्टोरी हो सब्जेक्टिवली हो सकती इसलिए उन कॉन्फिडेंस मिल गया हो उनको हाँ। कि भाई अगर माँ बर्दाश्त करती तो हमारे साथ क्या होता माँ ने डिसीजन लिया तो हम बच गए चलो इस पर थोड़ा सा हिट मारते हैं एक आदमी है हम तो वैसे भी बदनामे जमाना रहे भाई किसी से भी नहीं बनती इनकी ये सीवी में और रिज्यूमे में अच्छी चीजें हैं बुरी चीज़ें मैं किसी से भी नहीं बनती इनकी तो हर किसी से ही तलाक लेते रहोगे तो रिज्यूमे में क्या लिखेगा पहली चीज़ माइंड में क्या आएगी अभी होने लगी है ना हमारे एक मतलब एक सर्कल के अंदर हम किसी को भी देख रहे हैं भाई किससे शादी कर रहे हो भाई भाई वो डिवोर्स ही है अच्छा अच्छा डिवोर्स का मतलब चली नहीं यही आएगा ना माइंड में चली नहीं आप जो भी गए उसमें जुलम होगा ज्यादा नहीं चले माइंड में क्या आएगा तो इस तरह नहीं देखा आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकलिटी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग मैं सही और गलत को नहीं सही कर रहा मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ कि मुझे सोल्यूशन एक सोसाइटी को सामने रख के देना है वो लोग जो सोसाइटी को सामने रखे बगैर अपना इंकलाब ले आते हैं ना भाज इनका फसाद ज्यादा है प्रैक्टिकली द टोल इज वॉट द टोल इज जो बोझ है माइंड में क्या आएगा भाई नहीं बनाई होगी ना नहीं बन सकी क्या ये माइंड में लोगों के पहले जाएगा हो सकता है बहुत जुर्म ज्यादी हुई उसके साथ नहीं होगा इस तरीके वी हैव टू मेक श्योर द इमेज जिंदगी है ना लंबी जिंदगी है ना वो जगह जहां को ही हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं आपकी सोसाइटी डिवोर्स वाला वो मैटर वाहि डिवोर्स नहीं है हर जगह पर विक्टिम को ही लोग कहते हैं तो मीन सबर कर लेते हमें कितना समझाया लोगों ने अपनी जिंदगी में तुम्हें सर झुका लेते भैया तुम्ही झुक जाते तुम्ही सुन लेते तुम्ही मान लेते हैं यमीज है ना में से माल ला 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 लैदा कर रहा था जो निखरे हुए लोग थे वो साथ जुड़ गए जो हल्के लोग थे वो नहीं यही वो औरत बोल रही है इसकी डिवोर्स हुई है कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस पोजीशन पे स्टैंड आउट लेने के लिए मैंने कितना टोल लिया वो तुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है ये बात है कि जब मेरे ऊपर जब मेरी डिफामेशन के दौर आए होंगे और जब मेरे बारे में मार्केट में ये कहा जाता होगा कि ये आदमी इस नस्ल का है इस तरह का है फलाना डिमकान है तो वो जो हर्ट होता है तो स्टैंड आज कहेगा ना कोई कौन कहे मतलब कि अल्लाह ताला ने इतनी रहमत की क्या, क्या क्या कहेंगे कोई दौर ही बदल गया मतलब अल्लाह ने कितना दिया है मतलब अगर कोई सात आठ लोग किसी किसी कोने में बैठ के अगर एक कॉन्स्परेसी प्लान भी कर रहे होंगे मेरे लिए तो क्या 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 हिसाब कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ नहीं तो अल्लाह ने वहां तक इधर जा अनवलफ़त वरातन्ना सैद खलूनफीन अलफा ज फ़ौजों की फौजें आपके क़िले में दाखिल होंगी तो अल्लाह ने तो गनी कर दिया ना आज तो अब भी अगर वो वही काम कर रहा था वो बेवकूफ़ है अब उसे कुछ और सोचना चाहिए वहां तक का टोल लेगी ये क्या ये वहां तक का टोल लेगी क्या वो वहां तक का टोल लेगा भैया दो शादियां नाकाम हो चुकी हैं तो ठीक है किसी इंसान के दो एक्सपेरिमेंट्स नहीं ठीक हुए नहीं हुए हो सकता है उसको तीसरे में लग जाए विल यू टेक द टोल तो मैं जब भी किसी को सोल्यूशन देता हूं ना मैं हमेशा पूछता हूँ मस्तुम के तहत ठीक है पैकेज का टोल ले सकते हो तो रास्ता ले लो तो अनप्लग कर लो अगर पैकेज का देखिए प्रैक्टिकल बात करें यह जुमला भी बहुत कहा जाता है भाई शोहर के घर की मार खा लो मैके के घर के ताने खाने से अच्छा है सब्जेक्टिव है ये भी टैबू है लोग कहते हैं भाई वापस जाके बैठोगे बोझ ही होगा और ये बात मैं इस बात को जरूर कहता हूं ये मैं एडवाइस है सबको मैं मार खाने की बात नहीं करता लेकिन अब आप आपके भाई जो है ना उनकी भाभी आपकी भाभी आ चुकी हैं उनके बच्चे आ चुके हैं आप उनकी प्रायोरिटी नंबर वन नहीं हो सकते कभी भी हस्बैंड की आप जैसे भी हो ना प्रायोरिटी नंबर वन जरूर हो वन टू थ्री फोर में से होंगी होंगी प्रायोरिटी नंबर वन हो गए वो आपका जब भी करेगा चाहे कम करता होगा जब भी करता होगा ना प्रायोरिटी समझ के करता हो भाइयों की आप प्रायोरिटी नहीं होती बहनें भाइयों की प्रायोरिटी नहीं रहती ये प्रैक्टिकल बातें इस इसमें मुझे आइडियलिज्म और किताबी ज्ञान ना दी तू मैं तुझे बता रहा हूं वो घर में जाएगी ना वो प्रायोरिटी नहीं रहेगी वो बैगेज होगी उनके लिए उसे पूरा करना पड़ेगा वो अपनी औलादों की औलाद उसकी प्रायोरिटी है और उसकी जो है वो उसकी क्या कहते हैं उसकी आ, उसकी बीवी -बी प्रायोरिटी है बहन कहां से प्रायोरिटी होगी आपके माशरे में अब अगर आप मुझे कहेंगे ना भाई सहाबा के दौर मैं आपसे आइडियलिज्म की बात नहीं करूंगा मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा माशरे में रहने वाला आदमी सो मेरी एडवाइस पहले प्रैक्टिकल बात करते हैं मेरी उसको आप, आपने जितना इस पर देना है मुझे वो तो ऐसी राधा दिन वहां आके जलील होने से अच्छा आपको दुनिया है ही खैर और शर का मुआजना करने का नाम पैकेजेज और डील का नाम आइडियलिज्म नहीं हो सकता मैं वहां जाऊंगा तो सही हो जाएगा मैं यहां जाऊंगा तो ये नहीं होगा टोल वहां भी है टोल वहां भी है तो रोना बंद करें मैं इसलिए लोगों का सबसे पहले स्ट्रेस कम करता हूं भाई लाइफ इज अबाउट पैकेजेस एंड द पैकेज इज नेवर हंड्रेड परसेंट इट कम्स विद डील ऑफ सिक्सटी परसेंट गुड फोर्टी परसेंट ईवल सेवेंटी परसेंट गुड थर्टी परसेंट ईवल यही चलता रहेगा तो वहां पर अगर एक चीज की इनकन्वीनियंस है तो बीस चीजों की कन्वीनियंस भी है और अगर यहां पर पांच चीजों की कन्वीनियंस है तो सात चीजों की इनकन्वीनियंस भी होगी अगर आप टोल ले सकते हो तो फिर हम आपको मैं हमेशा पूछता हूं भाई टोल ले सकते हो आप कि किसी जगह पे आप फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो आपको पहली दफा नहीं चाय का कप पूछा जाएगा आपको तीसरी बार में पूछा जाएगा आप बर्दाश्त कर सकते हो आप चले जाओ फिर वहां सेल्फ स्टीम की बातें नहीं करना आप ठीक है सेल्फ स्टीम की बातें वो करेगा जिसको ये पता है कि मेरी स्टीम्ड मेरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यहां ज्यादा प्रोटेक्टेड है खामंत के साथ सेल्फ स्टीम ज्यादा प्रोटेक्टेड है अगर अगरचे शुरू के अंदर वो इमेच्योर एबनॉर्मल abnormal भी एबनॉर्मेलिटीज का भी शिकार हो ना लॉन्गर रन में देज अ चांस कि वो इसको अपना ऊंट बिठा देगा इसके हक के आपने प्रैक्टिकलिटी की बात की अभी तो हदीस में आता है कि फर्स्ट फोर भी जाते दीन के आप दीन को प्रायोरिटाइज करें तो जब शादियों के लिए रिश्ते आते हैं तो लोग जो है ना वो आ, इस बात को दलील बना के कहते हैं कि हमने तो शादी की थी लड़के की दाढ़ी थी और बाद में ऐसा निकला रिलेशनशप्स के अंदर आप दीन को क्या एक लेबल के साथ करेंगे कि दाढ़ी है तो दीन है हिजाब है तो दीन है भाई ये भी दीन है हाफिज है तो दीन है ये भी दीन है इसको हम इसके हम इंकार ही नहीं है एक आदमी जो है साइकोपैथी तो हो सकती है ना उसमें और तस्किया नफ्स ने और दीन के दुरूस ने और सारी तकारे ने और इन खिताबों ने और इन मसाजिद ने उसकी अगर वो चीज़ हील नहीं की हुई तो वो उसमें हो सकती है एक इंसान में नबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज को ज्वाइन करने के बाद भी इश्यूज हो सकते हैं या नहीं उसके अंदर हो सकते हैं तो साहबा के दौर के अंदर मसाइल होते थे तो वो अलहदगी इख्तियार करते थे कि ठीक है।, है फिर वो आगे भी गई की भी तलाके है और वो आगे जाके बड़े डिस्प्यूट की भी शक्ल इख्तियार करेगी जिसपे फिर भी बन चुके पॉइंट ये है बात दीन की नहीं है बात इंसान की है इंसानियत बड़ी है और दीन इसलिए सिलेक्ट किया जाता है कि दीन उसकी इंसानियत को इंसानियत रहने में रोकने का काम अदा, अदा करेगा ठीक है अल्लाह के नबी ने कहा ना दीन देख रहा हूँ दीन कंट्रोल करवा देगा जब दिमाग काम नहीं करेगा एक इंसान के साथ क्योंकि युफर को बैन अलमरी फाउजी भी तो चल रहा होता है ना शतान भी घुसे में होंगे सियासत भी चल रही होगी बंदा भी इमेच्योर होता है दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता इंसान की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं प्रेफरेंसेज होते हैं आदतें होती हैं फितरत होती है सब टकरा जाएगा शादी के अंदर वॉट विल स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग समथिंग स्टूपेड कोई बेवकूफाना बात करने से क्या चीज रोकेगी आपको अच्छा। एक बेवकूफाना बात करने से एक बेवकूफाना हरकत करने से एक एक जा, जारहाना गलती करने से क्या चीज रोकती है आपको अल्लाह का डर अल्लाह का खौफ दीन लाया गया था रिश्तों को कं, में कंट्रोल पैदा करने के लिए के भाई क्योंकि लाइन तो हर कोई क्रॉस कर सकता है सही है या वालबिलिटीज को बैलेंस कर कुछ करने भी करने के लिए डिस्क्रिपेंसी अगर इंसान के अंदर क्या दीनदार आदमी गुनाह नहीं करता करता क्या अल्लाह वाला आदमी दाढ़े रख के फिर फजूर के अंदर इन्वॉल्व हो सकता कर सकते। हैं। क्या एक हिजाब के अंदर औरत जो है वो गुना नहीं करती होगी कर सकती है क्या बगैर हिजाब के इंसान गुना कर सकता है कर सकता इंसान दोनों जगहों के ऊपर इंसान हो सकता है ना बगैर हिजाब के नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता बगैर दाड़ी के भी हो सकता है जन्नत में जा सकता है जा सकता है अगर एक अमल नहीं हो उसके पास आप लगाएंगे फतवा के वो काफर है अगर ईमान वाला है और मैं तो लगाता ही नहीं एक चीज के ऊपर अगर उसके नक्स है तो आप उसके पूरे ईमान की उसके ऊपर वो लगा देंगे नहीं। कदगन लगा देंगे उसके ऊपर दिस दिस इज इज नॉट नॉट इस्लाम वो नक्स है उसके अंदर वो नक्स है उसको बेहतर किया जा सकता है उस पर उसको मसाइल किसके साथ नहीं थे हर किसी के साथ मसाइल होते हैं किसी के कुछ 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 के प्रोमिनेंट मसाइल होंगे और कुछ के इंटरनल मसाइल होंगे तो अगर एक इंसान की जाहरी हालत इस्लाम के मुताबिक है मगर इंटरनल बर्बाद हुआ हुआ है कुछ लोग कितने होते हैं जो सिर्फ कवर लेने के लिए या स्केप लेने के लिए या रिबाउंस के ऊपर इस्लाम की तरफ आते हैं। अंदर से पूरा स्ट्रक्चर तस्किए के प्रोसेस से गुजरा ही नहीं है सही है वो एक टूटा हुआ इंसान है और अपनी इनसेज और अपने अंदर की साइकोपैथीज को रिलेशनशिप में निकालेगा अगले के ऊपर ठीक है और अगर वो कवर दिन की बल्कि आजकल आपको नहीं लगता पूरा यूट्यूब आपका सोशल मीडिया इस इसमें दीनदार हो या दुनिया ग्राउंड ऑफ ब्रॉलिंग नहीं लिखता आपको इसके मैं ही ठीक हूँ मेरे अलावा कोई ठीक ही नहीं है मैं सोच लिया मैं अल्टीमेट है मेरी सुपीरियर साइकोलॉजी है दुनिया का प्यो है जो डी गल मैंने समझ आई किसी नहीं आंदी वोट यू थिंक ये एटीट्यूड इस्लाम इत, इस तरह आता है जिदाल करने के लिए मुनाजरे करने तो के लिए शरीय ने मुझे कहा कि तुम दीन देखो रिलेशनशिप्स के अंदर तो मैं क्या दीन देखू कि इस वो दीन उसका लियत कितनी है तकवा कितना है अल्लाह से कनेक्टिविटी कितनी है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वो दीन को कितना प्रायोरिटाइज रखता है अपने मसाइल के अंदर मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि दीन सिर्फ कंट्रोल करने के लिए दीन, लिए, लिए दीन लिबास भी लाता है दीन प्रोटोकॉल्स भी लाता है दीन रिचुअल्स भी लाता है और दीन स्टैंडर्ड्स भी लाता है वो तो लाएगा ही लाएगा ऑब्वियसली बात है मैरिज का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव अल्लाह को राजी करना है ना ठीक है अन्य कहा सुनती जन्नत तक में में। तक पहुंचने जन्नत दोनों ने पहुंचना है तो, तो कॉम्प्रोमाइज करके होगा नहीं लेकिन अल्लाह दोनों का ठीक हो लेकिन आपस में क्या दो अल्लाह वालों की आपस में लड़ाई नहीं हो सकती हो सकती है मैं कितने हम तो हमारी तो हमारी तो हमारी हमारी खानदान खानदान शादी में हमें हमने, हमने, हमें हमने मसले नहीं पता क्या कि अल्लाह वाले दीन पढ़ाने वालों के भी आपस के क्लैशेज हो सकते हैं ठीक है तो जब उनको अल्लाह क्या कहता है तिल का हदूद्लाह तिल का हदूद उल्लाह किसे कह रहे अल्लाह कुरान में ये अल्लाह की हदूद है इनका ख्याल रखना जुलम नहीं करना ट्रांसग्रेस नहीं करना किन को सिखा रहा है ये सिर्फ दुनियादार लोगों को सिखा रहे हैं दीनदारों को भी सिखा रहे हैं अल्लाह तो पॉइंट यहां पर यह है कि इफ़ दैट टैबू के भाई क्योंकि दाढ़ी है तो इस, इस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक ही होगा और क्योंकि हिजाब है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अम्मा खतीजा ही होगी रदी ये चल सकता होगा जब माशरे के अंदर माशरा भी देखा जाएगा ना कुछ माशरों में वाकई होगा लेकिन यू स्टिल नीड टू टेक योर चेक्स आपको अपना पूछेंगे तो सही ना हम मैं अपनी बेटी दे रहा हूँ किसी को तो मैं तो पूछूंगा ना चाहे आलिम है चाहे वो दीनदार आदमी है चाहे वो मस्जिद का इमाम है या खत स्टिल टेक माच चेक यू नो ओके मैं बच्चा दे रहा हूँ अपना अपनी बच्ची दे रहा हूँ मैं तो ऐसे तो नहीं करूँगा मैं घर में एक ऐसा इंसान लेके आ जाऊँ घर तोड़ने वाला हो या मैं अपनी बच्ची किसी पागल को दे दूँ और वो दीन के कवर में बैठा हो तो प्लीज़ इस

देखें भाई इंसान है और अल्लाह ने भी इंसान से सबसे बड़ी चीज जो मांगी है ना उससे अखलास मांगा है सिंसेरिटी अमल की कमजोरी एक्सेप्टेबल हो जाती है अखलास की नहीं ठीक है इसी तरीके से उसूल हदीस का एक कायदा है कि जब्त की कमजोरी जो है ना मेमोरी की कमजोरी दूसरा रावी आके अकोमोडेट कर देता है अगर दूसरा वो आ जाए मगर अदालत की कमजोरी अकोमोडेट नहीं होती ठीक है आप झूठे हैं अगर एक बंदे की अदालत और उसका आदिल और उसका मुनसिफ होना ही एक रावी का साबित नहीं है तो दस सच्चे आके उसकी उस रिवायत को ऊपर नहीं कर सकते आपकी क्रेडिबिलिटी में क्रेडिबिलिटी इशू में आ गया ना सिंसेरिटी इज द बिगेस्ट थिंग इन रिलेशनशिप आई थिंक थिंक्रेडिबिलिटी इस पर मतलब इंसान की रिलेशनशिप में शादियों में पचास किस्म की चीजें होती हैं मगर बेवेफाइज समथिंग विच इज रेड फ्लैग वो समझना पड़ता है कि भाई उसके भी, भी लेवल्स है ना कि किस हद तक की बेवफाई की है सही है सिर्फ चैट्स तक रहा है या इससे आगे गया है या टेलीफोनिक रही है या पर्सनली हुआ है या जिला तक चली गई है या फाउंडिकेशन तक गया इट विल भी टेक इन अकाउंट इंटू अल्लाह माफ़ कर सकता है एक मशरक को अल्लाह माफ़ कर सकता है कुत्ते को पानी पिलाने वाली को अल्लाह माफ़ कर सकता है एक जानिया को अल्लाह माफ़ कर सकता है नानवे कतल वाले को इंसान नहीं कर सकते इंसानों का इतना जिगर नहीं होता सम थिंग्स के नॉट बी रिवर्स्ड बैक तो मेरी दोनों को एडवाइस ये है जो भी चीट कर रहा है या जिसने भी चीट किया है याद रखें एक पावरफुल बॉन्डेड मैरिज निकल सकती है एक चीटेड अफेयर वाली गलती से निकल सकती है लेकिन उसके अंदर जो दूसरे पार्टनर का चाहे मेल पार्टनर हो या फीमेल जो उसका डिटेरियोरेशन होगी ना आपकी चीटिंग से जब तक वो हील नहीं होगी ना उसकी जब तक यानी उसको वो हॉन्ट करता रहेगा कि तूने ये किया है तब तक तुझे अपनी जिंदगी के कोई फोर्टी परसेंट जो तूने कहीं और लगाया हुआ है ना साइकोलॉजी का वो उसकी खिदमत में देना पड़ेगा पैशन विल गो आउट ऑफ द बॉक्स बढ़ जाएगा बहुत कुछ चला जाएगा उसकी उस हीलिंग के अंदर ठीक है अब वो दो साल ले वो तीन साल तो ले वो तीन... है उसका एक टोल यही है वो भर जाएगी या वो भर सकता है मगर उसको फिर आपको वो एक वो वहां तक देना है और तब तक देना है जब तक कि उसका वो ट्रॉमा खत्म नहीं होगा उसमें से क्योंकि आपने तोड़ दिया ना अपने हाथों से उसकी बिल्डिंग ठीक है उसमें आपको एजिटेशन होगी फ्रस्ट्रेशन होगी आप एक्शन से बाहर निकलेंगे क्योंकि आप उसको हील कर रहे हैं तो इफ यू वॉन्ट टू ब्रेक दैट्स योर चॉइस अगर आप उसे हील करना चाहते हैं तो कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा आपको उसको एक्स्ट्रा यार्ड देना पड़ेगा जिसकी वजह से वो हील होगी और या हील होगा या खुशियों के अंदर आके भूल जाएगा एक दिन की गलती होगी और अगर अगर ये तो उसका हो गया इसका जिस, ये सॉरी मैं मैं लिंक भूल गया यहां पर के अगर आप आ, उसको, उस, उसको हील अगर आप उसको करना, अगर अगर करना चाहते हैं अगर आप करना चाहते हैं अगर आप उसे हील करना चाहते हैं और अगर आप जो है आ, हील नहीं करेंगे तो वो डेंट जो है ना वो आपकी क्रेडिबिलिटी लूज हो चुकी है फिर आप वो राइट्स ना मांगे उससे यू लूज द राइट्स फिर कम पे आपको गुजारा करना पड़ेगा नहीं मांग सकते और आखिरी बात मेरी इसमें ये है कि दुनिया के अंदर हर सीने पे जो है ना एक तीस चालीस साल की जिंदगी के अंदर सीने पर हजार किस्म की सोचों ने गुजरने उसके अंदर कुफ्रिया से लेकर शैतानी सोचों से भी गुजरना इंसान गिर जाता है हिसाब किताब हो जाता है लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि करने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए कर, आप करने जा रहे हैं आपको सोच लेना चाहिए कि ये वक्ति है ये व्यक्ति है वो परमानेंट स्टेट है इंसान अपनी टेम्प्रेरी एक, एक आ, वो जिस है एक आरजी ख्वाहिश के पीछे अपना परमानेंट घर खराब नहीं करता अगर घर वैसे चाहिए टोल देना पड़ेगा प्राइस पे करनी पड़ेगी आपको उसको वो उसकी हीलिंग है उसको वापस लाने के लिए और अगर वो माफ नहीं करता और वो कहता है कि मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये उसका फैसला है उस पार्टनर का कि वो क्या चाहता है इसके अंदर दिस इज वॉट दे चूज कि मैं अब इसको बीस साल दस साल रगड़ूंगा खुद भी मेंटल टॉर्चर में रहूंगा उसको भी मारूंगा मैं इसको ये फ्लैग नहीं दे सकता कि ये मगर वो इतन, मसला ये वो यही सवाल करेगा ना यहाँ क्यों नहीं रुका यहाँ क्यों नहीं रुका यहाँ क्यों नहीं रुका यहां तक चला गया तो वही रिवर्सल उसका जो ना चलाना है तो रिवर्स करना पड़ेगा वरना अनप्लग वो वो दो तीन साल पूछेगा अपने आप से वो चैलेंज करेगा वो पागल हो जाएगा ये सोच के रुका क्यों नहीं रुका क्यों नहीं रुका क्यों नहीं दैट इज व्हाट यू हैव टू स्टैंड देयर ये तो था कि चीटिंग हुई और खत्म हो गया पकड़ा गया एक है वो ही नहीं रहा स्टिल चीटिंग अगर ये आदत बन चुकी है और लत बन चुकी है तो इसके अंदर दो तीन सिचुएशन बनेंगी ऑब्जेक्टिवली एक ये होगा कि वो कमज़ोर होगी और वो टूट जाएगी नॉर्मली हजबेंड्स करते हैं ये काम जी औरत भी चीट कर सकती है ऐसी बात नहीं है मर्द अगर कंटिन्यू रखेगा ना तो मर्द इस सोच से कर रहा होगा कि अब मैं एक्सपोज तो हो गया हूँ मैं से इतना क्रश कर दूँ कि ये मुझे इस गंद की इसको मैं इतना मेंटली क्रिपल कर दूँ कि ये स्टैंड ना ले सके मेरे आगे और ये एक्सेप्ट कर ले और नॉर्म बन जाए अगर बहुत ही पावरफुल माइंड का आदमी होगा और बग़ैरत भी होगा और पावरफुल भी होगा मेंटली होगा सही वाला बगैरत होगा लेकिन बहुत से बग़ैरत मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते ठीक है तो वो फौरन अपने ना उनका गिल्ट उनको फौरन उस पोजीशन पे ले आता है कि वो पैरों पे आ जाते हैं लेकिन अगर वो मेंटली स्ट्रांग हुआ और बग़रत भी हुआ मतलब उस एहसास भी नहीं है स्ट्रॉन्ग है तो वो तोड़ेगा उसपो उसको फिर माँ उसको डिसाइड करना है कि मैं फाइट बैक करूँगी नहीं करूँगी तो मैन रिलेशनशिप्स में और कपल्स के अंदर या किसी भी रिश्ते के अंदर जब दो सिंग लड़ते हैं ना तो यू हैव टू टेक द टोल माँ तक आपने जाना है कि आप उसको बिठाएं अगले को जैसे वो बैठेगा तो आपके ऑब्वियसली चार प्रोविंसेस पे राज स्टैब्लिश हो जाएगा आपका चार सूबे आपके अंडर आ जाएंगे ये जो टग ऑफ वॉर चलती है उस टाइम अगर वो फाइट बैक नहीं कर रही है और वो खामोशी अपना रही है कि मैं एक इन्वेस्टमेंट ले रही हूँ यहाँ पर ये कर ले जो कर ले एक ना एक दिन तो इसको ऐसी मूं की पड़ेगी मैं अल्लाह पे छोड़ती हूँ और डेफिनेटली एक दिन ये कदमों में होगा मेरे और हम वेट कर सकते हैं कि इसके साथ ऐसी बुरी और होगी डेफिनेटली होगी अगर वो कर अल्लाह दिखा, दिखा देगा दुनिया में मैंने एक आदमी के मुँह से सुना था वो टाइम पर कहता था मुझे लगता था मैं बीमारी नहीं हूँ स्ट्रोक और हार्ट अटैक साथ हुआ मल्टी आदमी था हॉस्पिटल्स के चक्कर में आज कुछ नहीं कर सकता टोटल कंट्रोल बीवी का आ गया उसका टोटल कंट्रोल है वो पूरी सल्तनत के ऊपर टोटल राज है उसका हमारे हल्के की हमारे सिस्टम की औरत है वो तो वैसे सच थी अभी मैंने परसों कल एक केस सुना है और मैं देख रहा था कि यार वो इतनी डिफेंस के अंदर एक आइसोलेटेड एक छोटे से नीच में काम कर रही है उस पर बल्ली आ गई एक उस पर कोर्ट केस आ गया तो मैं मैं यही सोचता था कि यार आप जंगल में चले जाएं आप किसी नीच में चले जाएं आप इलीट्स में चले जाएं आप डिलीट्स में चले जाएं पैकेज के अंदर अगर आप अल्लाह को कुछ नहीं दे रहे सिस्टम को कुछ नहीं दे रहे आप अपने टैक्सेस पे नहीं कर रहे द शार्क विल कम टू यू वो आएगी आपकी तरफ प्रॉब्लम आएगी आपकी तरफ कोई भी बच नहीं सकता ऐसे तो अपना वाईमी वाईमी का रोना किसी को रोना नहीं चाहिए हर आदमी को अपने अपने तरीके से टोल है डरना चाहिए थ्रेट है और उस पर आजमाइश है अल्लाह की तरफ से वो आएगी आएगी तो यही मेरा एंड नोट है इसके ऊपर क्या आखिरी क्या था क्या चल रहा था गर, he keeps on cheating, अगर अगर ही कीप्स कीप्स ऑन ऑन चीटिंग चीटिंग है तो इसमें आपने पहला बताया कि वो क्रिपल डाउन करेगा तो दबाएगा उसको उसको दूसरा ये है कि अभी खुल के करेगा वो हाँ, और लड़की जो है वो अपने और दूसरा आप... होगा कि छुप के करेगा हमेशा झूठ बोलेगा और एक हमेशा स्ट्रेस रहेगा दो तीन दिन की टेंशन होगी फिर सात दिन चलेगी अजाब बन जाएगी मैरिज तो ये जितनी भी दोनों साइडों से जितने भी माइक्रो फाइट चलेंगे इवेंचुअली इसने एक टाइम पर वहां जाके बैठना है कि एक ठंडा हो जाएगा और दूसरे की जीत हो जाएगी क्योंकि मर्द अफेयर चाहे हजार चाहता हो बीवी हमेशा चाहता बीबी को बीबी की रखता बीबी के है ना बच्चे पाल रही है, उसको चला रही है। करेगी, तो फिर आएगा कदमों के ऊपर तो इसका तरीकेकार होता है कि आप उसको एक सॉफ्ट सॉफ्ट डाइवोर्स देते हैं आप उसको वो डाइवोर्स नहीं होती वो एक सॉफ्ट अनप्लगिंग होती है और आप उस जगह उसके ऊपर चार पांच महीने का चांस लेते हैं उसके मैं दिस इज हाउ यू रिवर्स साइकोलॉजी रिवर्स साइकोलॉजी से क्यों कहते हैं कि मैं जो 10-15 साल का किसी के साथ भी मेरा तुम लोगों के साथ भी होगा ना अगर मुझे उसे रिवर्स करना है तो मैं एक स्टैंड पे आके अनकंफर्टेबिलिटी क्रिएट करूंगा और वहां स्टैंड ले लूंगा ठीक. और उस अनकंफर्टेबिलिटी को वहां तक नॉकडाउन करूंगा आई आई क्रिएट अ डिस्कम्फर्ट फॉर यू मैं okay. आपके लिए एक अनसर्टेन प्लेटफॉर्म खड़ा करूंगा जहां दिल को मैं टेंशन दूंगा वाली यानी फॉरन अनप्लगिंग का जो है ना आप मशरा नहीं देंगे जिंदगी के अंदर नबी का भी कुरान में भी फरवान है ना अगर कोई मसला हो तो पहले बिस्तर लैदा करो दूसरी जगह पे हो खामोशी इख्तियार करो तो ये प्रोटोकॉल्स हैं ठीक है अन किसी को इंसान बनाने के प्रोटोकॉल यू होते हैं कि आप उसका आप उसका कम्फर्ट जोन और कन्वीनियंस लेते हो उससे थोड़ी सी तो अगर उसे किसी भी लगवा अगर ज्यादा अच्छी स्ट्रॉग रिलेशनशिप होगी तो वही एहसास कर लेगा अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर फिर आपका रिजॉर्ट आता है, है। इसलिए मैं लोगों को अक्सर ज्यादातर बच्चियां मुझसे अपने मसाइल पूछते मैं कहता हूं तलाक तो एक साल बाद भी दे सकते हैं ना ग्रेस पीरियड दे, दे दे इसको एक साल का अब इसे एक साल के अंदर बारह साल पंद्रह साल की मैरिज जैसे चलाई ना वैसे नहीं चलानी अपने सही उस्ताद से, से सबक ले अब अब इसको चेक ले आप। अब अब आंखें जो है ना इसको गाड़ के देखती रहे इसको जस्ट क्रिएट कि अगर दम हुआ मैरिज में तो आएगा वापस यही रिश्ते का दम होता है जिसका चेक जब लेते हैं ना ये हमारे बीच में भी हो सकता है कि, कि अगर मैं स्ट्रिंग खींचूंगा और इतना दम था वापस मेरे लिए आएगा नहीं आएगा तो जो आया ही नहीं कभी ये है जुमला किसी के लिए जो आया ही नहीं कभी और कभी था ही नहीं तुम्हारा जैरकू